के फीडबैक का प्रोसेस जो है, सबसे पहले तो उनको उनके घर में गए, जो जो सारा प्रोसेस बताया गया, मिनी प्लान शो किए, करने का बाद जो उनको हम लोग बेसिक नीड एडिशनल नीड बताए, उनको अपने पसंद के अनुसार रैंक करने के लिए भी बोले, उन्होंने रैंक भी किया, एजुकेशन सिक्योरिटी नंबर वन, नंबर टू हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर थ्री। हमने वो सारे पॉइंट्स को थोड़ा और बारीकी से उनको समझाए। अभी समझाने का बात क्या क्या परिस्थिति आ सकता है दोस्तों, एक तो ऐसा है सारी चीज उनको अच्छा लगा, पसंद आया, इसके बाद क्या करना। काफी लोग हम लोग एक गलती कर लेते हैं यहां पर, जबकि उनको सारा चीज पसंद आया, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हमें समझ आ रहा है कि वो संतुष्ट है, ऐसे जगह पे भी हम लोग जबरदस्ती बोलते हैं, क्या आपको कोई डाउट नहीं है, क्या आपके मन में कोई सवाल नहीं है, क्या आपको ये नहीं लग रहा है, क्या आपको वो नहीं लग रहा है। दोस्तों ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 में से 15-20 लोग तो ऐसे होंगे जिनको टोटल प्रेजेंटेशन देखने के बाद, उनकी साथ जब डिटेल में डिस्कशन किया गया फीडबैक की पॉइंट्स, उनको जब दिखाया गया कंपनी की प्रोस्पेक्टस, प्रोफाइल, नरिश कैटलॉग, टेस्टिमोनियल्स, रिकॉग्निशन वीडियो, वो इंटरेस्टेड है। तो ऐसे जगह पे एक फॉर्मूला याद रखना है अपने को, अपना बिजनेस का, अपना प्रोजेक्ट का, ABC, यानी ऑलवेज बी क्लोजिंग। क्या बताया मैंने, ऑलवेज बी क्लोजिंग, हर वक्त हमें क्लोज करना। हमारे टोटल ये जो हम प्रेजेंटेशन दिखाए, फीडबैक किए, ये सब किस वास्ते किए, किस कारण से किए, कि ताकि वो अपने सिस्टम में आ जाए, हम क्लोज करना चाहते हैं। तो जो भी सारा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, फीडबैक सुनने के बाद इंटरेस्टेड है, उनको बोलिए तो आइए, आपका डॉक्यूमेंट ये चाहिए और ये फॉर्म में आपको फिलअप करना है। चलिए हम लोग वेबसाइट में जाते हैं, लेट अस लॉग ऑन टू www.smartvalue.biz। आइए आपका पैकेज सिलेक्शन करते हैं और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्मार्ट वैल्यू परिवार में आने का निर्णय लेने के लिए। दोस्तों इस जगह पे हमें एक चीज करना है, जैसे कि मैंने, हम कोई कपड़े के दुकान में गए, शॉपिंग करने गए, आपको एक शर्ट दिखाया, कैसा लगा, ठीक है रखिए, दूसरा दिखाया ये कैसा लगा, ये भी ठीक है, तीसरा दिखाया ये पसंद नहीं है, चौथा पांचवा दिखाया पैंट, हाँ ये ठीक है, ये जींस कैसा है, ये बढ़िया है, फिर एक टी शर्ट दिखाया ये भी बढ़िया है करके आपने 6-7 आइटम को बोला अच्छा लगा। अभी दुकानदार क्या करते, तो सर आपका ये 7 आइटम हुआ ना, ये 7 आइटम आपके लिए पैकिंग कर दूं, तब हम क्या बोलते हैं, नहीं एक्चुअली 7ों के 7 नहीं, आप एक काम कीजिए, शर्ट में 3 जो है 3 में से एक शर्ट दे दीजिए, 2 ट्राउजर में से एक ट्राउजर और 2 टी शर्ट में से एक टी शर्ट। और दोस्तों अगर ऐसा होता, उनको अगर सिर्फ हम दुकानदार एक ही टी शर्ट या तो एक ही शर्ट अगर पसंद कराया होता, तो डिसीजन लेने के समय में, नहीं ये शर्ट एक्चुअली उतना भी खास नहीं लग रहा जैसा पहले लग रहा था, बोल के ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने एक भी नहीं खरीदा। तो हमें ये गलती नहीं करना है, हमें क्या करना है, जैसे ही वो इंटरेस्टेड हो गया, सब अच्छा लगा, बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा है वो संतुष्ट है, हमें इसके बाद उनको बताना है, इज इट क्लियर। हम बड़ा वॉल्यूम पहले दिखाएंगे, बाद में 100 miles में लाके उनको क्लोज करेंगे, ये हो सकता है एक परिस्थिति। लेकिन दोस्तों आइए, जिंदगी को इतना आसान भी नहीं समझते, लेट अस डोंट टेक लाइफ सो मच इजी। कुछ लोग तो होंगे जो प्रेजेंटेशन देखने के बाद अच्छा लगा, उसी टाइम एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, फॉर्म फिल अप हुआ, डॉक्यूमेंट्स दे दिया। सेकेंड परिस्थिति क्या हो सकता है दोस्तों, आपने पूरे चीज समझाए उनको, समझाने के बाद वो चुप बैठ गया, कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। ऐसे स्थिति में भी सेम ABC, मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग। तो उनको बताना है, अगर वो पेरेंट है, अंकल है, या तो स्टूडेंट है, कोई भी हो, तो सब कुछ तो क्लियर है आपको। आइए लेट अस गो टू www.smartvalue.biz, जाके आपका लॉगिन करते हैं और पैकेज सिलेक्शन करते हैं। सेम तो पैकेज में आपको क्या दे दी, हेल्थ 14,000 जैसे पहले बताया गया,
अगर किसी की सवाल नहीं है जबरदस्ती उनसे सवाल ना करें कि बोलिए बोलिए क्या क्या डाउट है। लेकिन कभी भी जब हम उनको क्लोज करने के लिए जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं एक्चुअली फॉर्म रखिए, फॉर्म जाएंगे हम लोग वेबसाइट में, एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है। यस और नो? होना भी चाहिए, हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं टोटल प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उनको किस किस किस्म के सवाल आ सकता है। आप लोग मुझे जरा मदद करेंगे। सबसे अहम सवाल, कहानी घर घर की, सवाल सबका क्या आता है? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरा पास पैसा नहीं। ओ मिल गया सबकी प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं लोग कि वेट 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 वेट, एक्चुअली मैं तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम बोलते हैं लोग। दोस्तों इस टाइम हमें क्या बोलना है, हमें उस टाइम कैसे उनको फीडबैक करना है, आइए देखते हैं। कोई अगर हमें ऐसा बोलते हैं नहीं प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो फ्रेंड्स और भी कुछ बोल सकता है, जैसे कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा जब भी कोई बोलेंगे हमें यह बोलना है अच्छा 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 आपके पास पैसा नहीं है, यही आपकी प्रॉब्लम है ना, मतलब प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा है ना, एंड आप अपने जिंदगी को चेंज भी करना चाहते हो कि आपको हेल्थ सिक्योरिटी भी मिले, ये भी चाहते हो कि आपकी इनकम सिक्योरिटी भी चाहिए, है या ना, रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन सारी चीज आपको चाहिए, सिर्फ आपकी एक ही प्रॉब्लम है वो है आपके पास पैसा नहीं है। अरे ये प्रॉब्लम तो उनको ऐसे रिलेट करना है जैसे हम लोग फील्ड फेल्ड फाउंड थ्योरी में बताते हैं, एंड सच्ची में भी आज स्मार्ट वैल्यू में जो 16 लाख परिवार है शायद ही ऐसे किसी को ढूंढ के मिलेगा जो इस सिस्टम में एडमिशन लेने की पहले ये ना बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, हालांकि सब नहीं बोला था, मैं भी बोला था, सुनीत अधिकारी, अमरनाथ बोस, प्रीतम दास, सुदीप्त शेखर रॉय, आज जो भी अपना प्रसन्नजीत दास, आशीष दास, जो भी अपने सारे अचीवर्स हैं, रामचंद्र अधिकारी, राजीव गो, सबका सभी का क्या बोलना था, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर उनको बताना है कि मानिए ये पैसे का जो प्रॉब्लम है आपको, ये अगर सॉल्व हो जाता है, मतलब आप जो बोल रहे आपके पास पैसा नहीं है, अगर हम ऐसे देखते हैं कि आपके पास पैसा है, पैसे के अरेंजमेंट आप कर सकते हो, तो क्या इस सिस्टम में एडमिशन लेने में और तो कोई तकलीफ नहीं, मतलब अगर हम ऐसे देखते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अरेंज आप कर लेंगे पैसे का, क्योंकि हम मिडिल क्लास इंसान कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो अरेंज ही करते हैं, इसीलिए तो मिडिल क्लास है, उस दिन अमीर आदमी बन जाएंगे, वेल्दी क्लास बन जाएंगे जिस दिन पैसे के अरेंजमेंट करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, यू ही चुटकी में हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो मान लीजिए पैसे की प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, वो आप मेरे ऊपर छोड़िए, तो आपको बाकी निर्णय लेने के लिए स्मार्ट वैल्यू में बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तब पैसे की प्रॉब्लम अगर अभी कभी सॉल्व कर देता हूं तो हम लोग इंटरनेट में जाएंगे www.smartvalue.biz, लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो वहीं पर वायरलेस लैपटॉप से साइट खोल के एडमिशन करा देंगे, तो उनको बोलेंगे तो आइए बाकी तो फॉर्म फिलअप करने में अभी आपको निर्णय मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ तो पैसे का ही प्रॉब्लम है, दूसरा तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा परिस्थिति होगा, जैसे हम ये बात उनको बोलेंगे, क्या क्या हो सकता है कि वो बोलेंगे नहीं एक्चुअली, मतलब हेजिटेशन होगा, क्या बोलेंगे, नहीं एक्चुअली पैसा ठीक है, पैसा तो अरेंज हो सकता है, एक्चुअली मुझे कुछ और भी प्रॉब्लम है। यस और नो? यस। तो आइए आप लोगों से सुनते हैं कि ऐसा समय में वो और क्या क्या समस्या बता सकते हैं, कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी अगर भाग गई तो, आइए साफ बोलते हैं, कंपनी अगर आगे नहीं चली तो
है ना, बहुत अच्छा। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं क्या, तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? तुम जो मेरे को एडमिशन कराने के लिए आए हो तो इसमें प्रॉफिट क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? ओके, वेरी गुड। चलिए और बोल रहे कि मैं अगर दोबारा में ज्वाइन ना करा सकूं। हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे को डर है अगर मैं दो लोगों की एडमिशन नहीं करा पाया तो, मैं इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाया तो, मैं अगर काम नहीं कर पाया तो, मैं अगर इनकम नहीं कर पाया तो, है ना। और सोचते कि इनकम होगा, इसका कोई गारंटी है, एकदम पक्का होगा? तुम क्या मुझे गारंटी दे सकते इस बात का कि मैं इनकम कर पाऊंगा? याद रखना है दोस्तों, आइए हम लोग इस जगह पे एक लक्ष्मण रेखा देंगे उनको, बोले तो वो एक एक प्रॉब्लम बोलते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे, वो बोलते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे, ऐसा करेंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते जाएंगे, वो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तीसरा प्रॉब्लम बोलेगा, चौथी खड़ा करेगा, चौथी सॉल्यूशन देंगे, वो पांचवा खड़ा करेगा। इससे अच्छा है उनकी प्रॉब्लम एक ही बार में अंदर जो है उसको निकाल दे। तो आपका प्रॉब्लम सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि पैसे का आपका प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसा है लेकिन डर इस बात का है इस पैसे को देके अगर मैं एडमिशन करूं कहीं ऐसा तो ना हो कि कंपनी भाग जाए। इस पैसे तो मैं दे दूंगा, एडमिशन तो मैं कर लूंगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इनकम नहीं कर पाया तो। यस और नो फ्रेंड्स, पैसा किसी का प्रॉब्लम नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी अभी तक ऐसा जगह पर नहीं गई है। पाइए एक एक करके उनकी सॉल्यूशन देते हैं, उनको ये बोलते हैं अच्छा अच्छा पैसा आपका अरेंज हो जाएगा अगर आपको इस बात की एश्योरेंस हो कि आपको इनकम होगा, तब एडमिशन देने में कोई तकलीफ नहीं है ना, ऑलवेज बी क्लोजिंग। अगर आपको मैं ये दिखा दूं, आपको अगर ये समझ आ गया कि ये कंपनी भागने वालों में से नहीं, तो अभी हम जाके लॉग इन कर लेंगे ना इंटरनेट में, तब तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यह समझ आ गया कि आप ज्वाइनिंग करा सकते हो, बाकायदा दो नहीं बहुत सारे, और आपकी बिजनेस आगे भी बढ़ेगी, आपको इनकम भी आएगी, तब आपका एडमिशन लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है। उनके हर सवाल के साथ ये बोलना है, अगर आपकी ये समस्या की समाधान अभी अभी आपको मिल जाएगा, तब हम लोग अभी जाके इंटरनेट पर लॉग इन कर लेंगे और फॉर्म फिलअप कर लेंगे। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि वो कुछ सवाल पूछ रहा है, उसके जवाब वो मांग रहा है, हम उसकी जवाब भी दे दिया, उसके बाद क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या फिर ओपन छोड़ देंगे? तो सर क्या सोच रहे हैं? उन्होंने प्रॉब्लम दिया, हमने सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन हो गया, एडमिशन कंफर्म करना है, ऑलवेज बी क्लोजिंग। इज इट क्लियर? ताइए पहला सवाल क्या था कि कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है? तो फ्रेंड्स इस बात की तो आज और सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, हमारे हर स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट जानते हैं। इस जगह पे हमें क्या दिखाना है, अचीवमेंट, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक क्या क्या चीजें हासिल किया है, क्या क्या कारनामा करके दिखाया है। दोस्तों ये वो सिचुएशन है जब हम उनको हमारे प्रोस्पेक्टस, हमारे प्रोफाइल, हमारा पास जो मैगजीन्स होता है, हेल्थ प्रोडक्ट यूज करके जो टेस्टिमोनियल्स होता है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स होता है, LIC टाइप है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी टाइप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना है। क्योंकि कहावत है सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसी को विश्वास करते हैं, जो हम सुनते हैं उसको नहीं। तो इस जगह पे हम लोग वन बाई वन कंपनी जो 11 साल से काम कर रहे हैं, इट इज ए लिमिटेड कंपनी टुडे, 16 लाख एसोसिएट है, उनको बोलिए अभी अगर आप नेट में जाएंगे तो आपकी जो आईडी नंबर आएगा वो 15 लाख या तो 16 लाख से आएगा, मतलब इसकी पहले ऑलरेडी 15 से 16 लाख लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं। दोस्तों इस जगह पे दिखाना जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग भी कॉर्पोरेट एजेंट है, दिखाना जरूरी है हमारे सारे ब्रांच ऑफिस, उसकी एड्रेस, हमारे मोर देन 1200 सेंटर्स, हमारा साथ नरिश, हमारा सारे प्रोस्पेक्टस, प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स जो सारे हैं, इस जगह पे हमें उनको दिखाना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और हमें यह दिखाना है कि आज आपका पास ये जो सिस्टम आया है ये कोई 6 महीने 1 साल का सिस्टम नहीं है, ये 11 साल से भारत में काम करती हुई इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक बहुत बड़ा नाम ज्यादा एक बहुत बड़ा कंपनियों में से एक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इज इट क्लियर? साथ में
हम और भी एक जोड़ सकते हैं, एक तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट, उसकी डॉक्यूमेंट्स, और एक हुआ फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट वैल्यू क्या प्रमोट कर रहे हैं? स्मार्ट वैल्यू इज अ बिजनेस। स्मार्ट वैल्यू क्या रोजगार करने का सिर्फ एक जरिया है? स्मार्ट वैल्यू क्या सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता है? स्मार्ट वैल्यू एक भावना है, एक थॉट प्रोसेस है, एक विचार है। जैसे गांधी जी का कभी मौत हुआ? महात्मा गांधी जी मर गए क्या? अभी भी जेब खोलेंगे तो 500 रुपए का नोट में गांधी जी दिखता है, अभी भी उनके ऊपर मूवी होता है। गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मरते हैं, बिकॉज गांधीइज्म इज अ थॉट। गांधीवाद एक सोच है, अहिंसा एक सोच है। सेम वे पे स्मार्ट वैल्यू भी, फाइनेंशियल लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, ये सारे चीज प्रमोट कर रहे हैं सोसाइटी में। इस सोच का कभी मौत हो सकता है? बल्कि दिन जितना आगे बढ़ेगा यह सोच भी उतना ही आगे बढ़ेगी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस। उनकी सेकंड क्वेश्चन क्या था? मेरा फायदा क्या है? यह बड़ी अजीब सी सवाल हो गई। मतलब तुम तुम्हारी जिंदगी बनाओगे, आप आपकी जिंदगी बनाना चाहते हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा पड़ी हुई है मेरी फायदा के बारे में। एक्चुअली है भी ऐसा दोस्त, क्या बोलूं आपको, आप ऐसा बता सकते हो उनको कि आज के दिन में लोग जितना दुखी है खुद के दुख से, उससे ज्यादा दुखी है दूसरे का सुख से। हम दुखी हैं, हमारा पास बहुत कुछ नहीं है, ये मेरा दुख के कारण नहीं है। मेरा दुख के कारण ये है कि मेरा पड़ोसी क्यों सुखी है, मेरा घर में गाड़ी नहीं है ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में क्यों गाड़ी है। एनीवे अगर कोई पूछता है आपकी प्रॉफिट क्या है, तो सबसे पहले उनको बताइए सर्विस चार्ज। मेरा प्रॉफिट है सर्विस चार्ज। बोले मतलब डॉक्टर 5 साल से पढ़ाई किया है मेडिकल में, आप उनके पास जाएंगे आपको सर्विस देंगे, चार्ज लेंगे। सिविल इंजीनियर पढ़ा है इंजीनियरिंग, उनके पास जाएंगे घर बनाने के नक्शा बनाने के लिए, चार्ज लेंगे। वकील सब पढ़े हैं लॉ, आईन लेके, उनके पास जाएंगे सलाह लेने के लिए, सर्विस चार्ज लेंगे। लेंगे नहीं लेंगे? हम आपको आए हैं एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए, तो मेरा भी एक सर्विस चार्ज होगा। ये सर वो तो आपको दिख चुका है, आप अगर एडमिशन लेंगे तो मेरा सर्विस चार्ज है मान लीजिए 300, वो भी आपको देना नहीं है, वो भी देगा ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इस मिशन को आप तक पहुंचाने के लिए शाहरुख खान नहीं आया, अमिताभ बच्चन नहीं आया, माधुरी दीक्षित नहीं आया। अगर वो लोग टीवी में आए होते झंडू बम लगाओ दर्द भगाओ बोलने के लिए, तो 1 रुपए के झंडू बम 5 रुपये होते, 3 रुपये के लाख 15 रुपये होता। आज मेरे बदले में इसी कोर्स के बारे में अगर टीवी से आपको पता चलता, हेल्थ के बारे में अगर सलमान खान से पता चलता, तो 8,000 की पैकेज 8,000 नहीं होता, 28,000 होता। तो इसलिए मेरे फायदा से ज्यादा अब आपकी फायदा सोचिए। और फायदा क्या है? हाँ, और एक फायदा है, वो तो जो 300 रुपए का फायदा है, वो तो आपसे मेरा रिश्ता इतना है कि मेरे को अगर कोई जरूरत पड़ जाए 300 या 500 का, आपसे अगर मांग लूंगा कि आप नहीं देंगे, बोलिए किसी इनवाइटी को, आपका गेस्ट को अगर ये बात कोई बोलते हैं वो क्या बोलेंगे? हाँ वो तो हो देंगे ही, तो इस फायदा के लिए मैं आपके पास नहीं आया। मेरा जो एक्चुअल फायदा है, मेरा जो असल जो मेरा फायदा है, वो ये है कि मैं भी देखना चाहता हूं आपके परिवार में भी बीमारी ना रहे। मैं ये देखना चाहता हूं आपको भी एक फैंटास्टिक करियर मिले। ये देखना चाहता हूं मेरे साथ आप भी नेताजी इंडोर स्टेडियम, भारत की बड़े बड़े स्टेज में इकट्ठा खड़े होकर स्टेज में रिकॉग्निशन मिले। मैं चाहता हूं आपके घर में भी बाइक आए, कार आए, आपके सपने भी पूरा करे। मैं ये चाहता हूं कि गरीब की बेटा गरीबी होगा ऐसा ना हो, मिडिल क्लास की बेटा मिडिल क्लास होगा ऐसा ना हो। अगर मेरा एक्चुअल फायदा है तो है वो। ऐसा जवाब दे सकते हैं? ये सर ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट सवाल क्या था उनका? हाँ, ये बात जब कोई इंसान बोल रहा है मैं अगर 2 आदमी को एडमिशन नहीं करा सकता हूं, मैं इस काम को अगर नहीं कर सकता हूं, इसकी मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने में आत्मविश्वास की कमी है कि वो ये काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता है।
तो दोस्तों मुझे इस टाइम उनको एहसास देना है, इस काम को जो वो करेंगे अभी तक उनको पता चला है क्या काम क्या है? वो सोच रहा है इस सिस्टम में दोनों को जाके एडमिशन कराना है अकेले के बलबूते पर। दोस्तों हम आप कोई भी इस सिस्टम में जब आए थे पहले दिन ही दोनों को एडमिशन कराने गए थे? पहले इस सिस्टम की फिलोसफी मार्गदर्शन उसको अच्छे से समझे, है ना? यस और नो? उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं ये मेरा अधिकार है कि मैं लोगों की जाके स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता दूं, जब मुझे ये लगा कि मेरे को जब 9000 रुपए में इतना बढ़िया एजुकेशन मिला आईटी स्मार्ट वेब डिजाइनिंग के ऊपर, स्मार्ट नेटिजन हार्डवेयर के ऊपर, मेरे परिवार को जब नरिश नोनी सोया प्रोटीन यूज करते हुए इतने फायदा है, मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं दूसरे को जाके ये मैसेज प्रमोट करूं, इससे मेरे को पैसा ना भी मिले तो भी मैं करूंगा क्योंकि ये अच्छी चीज है। यस और नो? तो हमारा जो नया दोस्त है प्रॉस्पेक्ट है वो क्यों ऐसा बात बोल रहा है अगर मैं नहीं कर पाया तो? क्योंकि उसको अभी तक समझ ही नहीं आया वो करेंगे क्या। तो उनको बोलिए एजुकेशन की इतना अच्छा मैसेज समाज में आप दो लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते हो? आपकी परिवेश परिस्थिति रिश्तेदार दोस्तों में ऐसे दो लोग नहीं होंगे जो अपना करियर बनाना चाहता हो, जो हेल्थ को अच्छा रखना चाहता हो, जो इनकम करना चाहता हो, जो सपना पूरा करना चाहता हो, जो फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, जो बेटर लाइफस्टाइल पाना चाहते हो। आपकी दोस्त रिश्तेदार परिस्थिति में दो लोग ऐसा नहीं है? उनको पूछिए घर में अगर शादी वगैरह होंगे तो कितने लोग आएंगे? क्या बोलेंगे वो? 500 लोग बिन बुलाए मेहमान खाना खाने के लिए आ सकता है आपकी बुलावे पर, और जिंदगी चेंज करने के लिए दो लोग नहीं आ सकते? आ सकते नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकता है। उनको एक चीज बता दीजिए, एक्चुअली वो जब ये बोलते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या दोनों का एडमिशन करा पाऊंगा, उसमें उनको ये लगता है कि ये काम उनको अकेली करनी है और बिना ट्रेनिंग का। उनको समझाइए सॉरी इस सिस्टम आप जब आएंगे आपको पहला 15 दिन कोई काम करने की अनुमति नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा। बाकायदा आपको एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सारी चीजों के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में, कंपनी की सर्विसेज, सब चीजों के बारे में। और रही बात एडमिशन कराने का, वो आपको अकेला नहीं करना है। जैसे उनको बताइए, देखिए आप जो आज इन्वाइट आपको किया था किसने? कोई दोस्त ने। प्रेजेंटेशन कौन दिया? सपोर्ट टीम का कोई टीचर ने। फीडबैक में कौन आया? सपोर्ट टीम का कोई टीचर। आप एडमिशन लेने के बाद आपको ट्रेनिंग कौन देंगे? सपोर्ट टीम की टीचर। यहां पर सपोर्ट टीम है जो सारे काम आपको सिखाते हैं। अच्छा चलिए, दो आदमी को आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उस बात में नहीं आता हूं, आप मेरा कुछ बात बोलिए। आपका यहां पर टाइम दे पाएंगे? 8 से 10 घंटा पढ़ाई लिखाई सर्विस बिजनेस सब कुछ करने का बाद दिन में 1 से 1.5 घंटा आप समय दे सकते हैं? क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? हाँ, जो बताऊंगा सीखने के लिए आप सीख सकते हैं? पूछ लीजिए। टीचेबिलिटी सीख सकते हैं? बोले हाँ। समय दे सकते हैं? बोले हाँ। विश्वास कर सकते हैं हम लोगों को? बोले हाँ। बाकी आपको और कुछ सरदर्द नहीं है, बाकी हम लोग समझ लेंगे। दोस्तों ये बात जब हमने किसी ने किसी से बोले, अगर वो समय देगा, ट्रेनिंग में भी आएगा, सिस्टम भी सीखेगा और विश्वास भी करेगा, उसके बाद काम हमें करके देना पड़ेगा या खुद ब खुद करेगा? क्योंकि उनको ये भी आप बता सकते हैं, आप जब तैरने गए थे स्विमिंग अकेले किए थे या किसी ने सपोर्ट किया था, सहयोग दिया था किसी ने? यस और नो? जिंदगी में कोई भी काम क्या हम पहले बार खुद से करते हैं या कोई सिखाते हैं करने के लिए? सिखाते हैं। और यहां पर तो बहुत ही बेहतरीन लेवल की सपोर्ट टीम है। आज पूरे इंडिया में दिखाइए सक्सेसफुल लोगों की फोटो, ये जो सारे लोग सक्सेसफुल बने हैं कोई अपने बलबूते पर नहीं बने हैं, अपने क्वालिटी से नहीं बने हैं, इन सबको बनाया गया है। किसने बनाया है? सपोर्ट टीम ने। सारे लोग ऑर्डिनरी थे, सपोर्ट टीम एक्स्ट्रा क्वालिटी देकर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो दे सकते हैं कॉन्फिडेंस? कोई अगर बोलते मैं क्या कर सकता हूं, मतलब कुछ नहीं, आत्मविश्वास की कमी है, थोड़ा सा बाद में पीट क्लैपिंग करके पीट ऐसा करके बोलिए अरे मैं तो हूं, साथ साथ चलेंगे,
इतना आत्मविश्वास की कमी तो सभी को होता है। और क्या रहता है उनके सवाल, इनकम क्या मैं कर सकता हूं, उसकी गारंटी क्या है। सच्ची बात है, मतलब ये तो सवाल दोस्तों ऐसा हुआ ना, मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हुआ, प्रेसिडेंसी कॉलेज में गया नहीं, प्रिंसिपल को बोल रहा हूं आप मुझे मैं पास करूंगा, फर्स्ट क्लास आएगा, 60% आएगा, इसकी आप गारंटी दे दीजिए तो मैं कॉलेज में भर्ती हो जाऊंगा। एमबीबीए मेडिकल कॉलेज में जाके प्रिंसिपल को बोल रहा हूं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, आप गारंटी दीजिए तो मैं एडमिशन ले लूंगा। प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, बेटा एडमिशन तो ले लो, पढ़ाई तो कर लो, क्लास में जो टीचिंग होगा वो तो सुन लो मन लगाकर, और इम्तिहान में जब आएगा वो ढंग से लिख लो तो पास अपने आप हो जाओगे। यस और नो? कोई इंसान अगर हमसे गारंटी मांगता है इनकम का, तो दोस्तों डेफिनेटली हम देंगे गारंटी, लेकिन उसके पहले आप कुछ चीजों की गारंटी लेंगे उनसे। जैसे आप बताइए, आप इस सिस्टम में 8 से 10 घंटा वीकली टाइम देंगे, इसकी गारंटी है? 6 महीना इस सिस्टम को सीखेंगे, इसकी गारंटी है? आप, मैं आपसे उम्र में कम हूं मे बी, क्वालिफिकेशन में कम हूं, लेकिन इस सिस्टम में आप मुझे टीचर मानेंगे, इसकी गारंटी देंगे? अगर आप अपना ये सारी चीज की गारंटी देते हैं, मैं तो छोड़ दीजिए, मैं आज हूं सिस्टम में तो रहूंगा अगर दुनिया में रहूं तो, लेकिन अगर ऊपर वाले को नापसंद हूं तो मैं इस दुनिया में कल नहीं भी रह सकता हूं, मेरा गारंटी छोड़ दीजिए। गारंटी देता है ये सिस्टम, इस सिस्टम को जिसने टाइम दिया, जिसने सिस्टम को सीखा, जिसने सिस्टम को अपनाया, जिसने भी सिस्टम को विश्वास किया, सभी को सिस्टम बेहतरीन जिंदगी दिया। इज इट क्लियर? तो उनको ये सिस्टम सपोर्ट टीम की ये कॉन्फिडेंस की जगह दिखाइए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी आइए, यही सब था ना आपकी प्रॉब्लम, तो आपको ये समझ आ गया ये भागने वाले कंपनी में से नहीं है? यस सर नो? आपको ये भी समझ आया कि आपको ये काम अकेला नहीं कर रहे हैं? यस सर नो? आपको ये भी समझ आया कि ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे सिस्टम में तो इनकम होगा? हाँ या ना? तो आपकी ये जो सारे चीज, सारे क्वेश्चंस जो था, ये आपका क्लियर हुआ? यस सर नो? तो लास्ट और कोई तो आपको सवाल नहीं है? हाँ, और एक बचा है, वो क्या, मनी का, लेकिन वो तो पहले ही बोले आप, आपके पास है एक्चुअली, पैसे का समस्या आपके पास नहीं था, था मैं क्या कर पाऊंगा, कंपनी क्या रहेगा, अगर कंपनी रहा तो मेरे पास पैसा है, अगर मैं कर पाया ये एश्योरेंस आपको मेरे को मिलेगा तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? तो देखेंगे मेजोरिटी समय में उनके पास कोई समस्या नहीं रहेगा और वो सिस्टम में आ जाएंगे, लेकिन ये जब आपने क्लोज किया उसके बाद चुप नहीं बैठना है। तो चलिए, आपका तो सारा सॉल्यूशन हो गया, आइए इंटरनेट में जाते हैं, ये लीजिए फॉर्म, ये लीजिए डॉक्यूमेंट। अच्छा, आप ड्राफ्ट का स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से बनाएंगे? तो पैकेज ये देंगे ना, डेट ऑफ बर्थ कौन सा देंगे, क्लास 10th या 12th का, ऐसा नहीं पूछिए। तो क्या आप एडमिशन लेंगे? सब कुछ खत्म, क्लोज हो गया, रेडी है वो, फिर आप उसको बोल रहे नहीं, थोड़ा सोचिए। कुछ लोग इतने भी बुद्धि होते हैं, नहीं नहीं आपको अगर जरूरत होता है आप सोचिए, ये जो आपको इन्वाइट किया था वो कल आएगा आपके पास फिर, नो सॉरी क्लोज। उसी टाइम में हमें उस सेल को क्लोज करना है, उसको कंक्लूड करना है, जाके फॉर्म फिलअप कराइए, एडमिशन करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऑब्जेक्शंस हो सकते, जैसे हैंडल हो गया ऑब्जेक्शंस, और एडमिशन के लिए अभी हम लोग फॉर्म फिलअप तुरंत बातों बातों में सवाल पूछा जवाब दे दिया, तो फॉर्म यहां है, यहां पर साइन करना है। आइए, आपकी डॉक्यूमेंट ये चाहिए, क्वेश्चन की सवाल की जवाब देने के बाद चुपचाप ये नहीं रहना है और इंतजार करना नहीं है वो और सवाल पूछे, क्योंकि जब भी उनकी सवाल हम एक ही बार में सुन लेंगे, 4, 5, 6, 8 जितना सवाल हो सकता है लक्ष्मण रेखा दे देंगे, तो यही सब आपकी प्रॉब्लम है, समस्याएं है। मतलब अगर ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको हो जाता है, तब हम लोग अभी अभी फॉर्म फिलअप कर लेंगे और तुरंत अपना एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और करना भी ऐसा ही है, क्वेश्चन के जवाब देना है, देते ही साथ साथ फॉर्म निकालना है, ये है फॉर्म, इधर सिग्नेचर करना है, पीछे एक सिग्नेचर करना है। अच्छा, नॉमिनी कौन रहेगा आपका? क्लियर? नॉमिनी क्या है, मम्मी या पापा, मां या वाइफ?
हस्बैंड बेटा, ऑप्शन ऐसे देना है, जो आप ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे ये सवाल ही नहीं जाएंगे, सवाल वही पूछेंगे जिसके जवाब हमें पता है। इज इट क्लियर? और सवाल वही पूछेंगे जिसके जवाब हमें, जो जवाब चाहिए सवाल वैसे पूछेंगे। ड्राफ्ट क्या स्टेट बैंक से बनाएंगे या पंजाब नेशनल बैंक? आप अकाउंट से ड्राफ्ट बनाएंगे या तो कैश से ड्राफ्ट बनाएंगे? इज इट क्लियर? ऐसा सवाल पूछेंगे जिसके दोनों का ही जवाब हाँ होगा, अपने में कोई एक होने से ही चलेगा। यस और नो, दैट इज द थिंग। तो आइए दोस्तों, आप लोग देखते हैं, आप लोग जब मार्केट में काम करते हैं तो कुछ और भी क्वेश्चंस फेस करते होंगे। ये मैंने नॉर्मल बताया, लोगों की जो सवाल होता है एक तो ये होता है, जैसे बताया कंपनी रहेगी इसकी गारंटी, ये तो कंपनी चलेगी इसकी एश्योरेंस क्या है, ये रहता है कि मैं कर पाऊंगा, ये सारी चीजों में उनको सवाल रहता है जो कॉमन क्वेश्चन है। आइए थोड़ा सा और अनकॉमन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं जो भी हमें फेस करना पड़ सकता है जब हम फीडबैक में जाते हैं। तो मेरे दोस्त हमें मदद करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्त जैसे ऐसा काम में नेटवर्किंग या तो सेल्स या तो कमीशन पाना, इस किस्म के काम में मुझे दिलचस्पी नहीं है, ऐसा है ना आपके सवाल? जब भी कोई हमें बता रहे कि हमारे हमें इंटरेस्ट नहीं है, या तो मैं लोगों को बताने में मुझे थोड़ा दिलचस्पी नहीं है, या तो मुझे नेटवर्किंग काम करने में दिलचस्पी नहीं है, सेल्स टाइप के काम ठीक मुझे आता नहीं है। क्वेश्चन जो भी करे उसकी जवाब एक ही होगा, सवाल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आ सकता है। जब कोई हमें ये बोल रहे हैं मुझे ना ठीक ऐसे काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो ऐसी नेटवर्किंग मुझे पसंद नहीं है, ये सेल्स मुझे ठीक पसंद नहीं है, ये चेन वाला काम मुझे जमता नहीं है, कोई अगर ऐसा ही बोलते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले उनको ये बताना है कि लोगों को अच्छा एडुकेशन मिलेगा ये बोलने में आपको दिलचस्पी नहीं है, लोगों की हेल्थ अच्छे हो जाए, डॉक्टर के पास जाता है तो खून चूसते हैं डॉक्टर आज के दिन में, कुछ भी बीमार होने की पहले ही उसको ब्लड टेस्ट, ECG, अल्ट्रासोनोग्राफी, कोलोनोस्कोपी, सिंपल बुखार हुआ तो 10,000 रुपया का वगैरह वगैरह टेस्ट, क्यों डॉक्टर को आधा कमीशन आएगा? इस तरीके से डॉक्टर आज के दिन में सोसाइटी में सेवा देने के नाम पे लोगों को लूट रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट बड़े बड़े स्टार को खड़े करके बोल रहा है हमारा यहां पर कोर्स कर लो 100% जॉब गारंटी, दिखता है ना आपको 100% जॉब गारंटी? फ्रेंड्स आज के दिन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टूडेंट की क्वालिटी अगर गारंटेड नहीं है, वो कुछ भी डिग्री करके आए जॉब गारंटी हो सकता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी धोखा लगा रहे हैं, आज इतने रुपए का कोर्स कर लो जॉब गारंटी, कितने का जॉब? 3,000 का, तो उसके लिए 45,000 की कोर्स करने की जरूरत क्या है? उसे 3,000 ऑटो चलाने भी मिलता है, कोई छोटा मोटा काम करने भी मिलता है। ये सर लो दोस्तों हमें वो सब में जाना नहीं है, राइट? इसीलिए हमें उनको क्लियर बताना है कि सब जरूरत है हेल्थ का, सब जरूरत है एक्स्ट्रा इनकम करने का। लोग क्या क्या हद तक चले जाते हैं इनकम करने के लिए, नौकरी कर रहे हैं कंपनी को टोपी लगा के बिल ज्यादा बना के होटल का बिल बना के पैसे कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं। क्यों इतना रिश्वत खोरी? हम क्यों बोल रहे हैं भ्रष्टाचार आज रोगों रोगों में फैल रहा है? क्यों? क्योंकि जो तनख्वाह आता है उससे परिवार नहीं चल सकता है, करेगा क्या? एक्स्ट्रा कमाई कहां से? रिश्वत खोरी। जो इनका महंगाई की जो दौर है उस हिसाब से इनकम नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं कर पाएंगे कॉम्प्रोमाइज तो क्या करेंगे? बेच डालेंगे खुद को। यस और नो? तो लोग इनकम करने के लिए क्या क्या हद तक जा रहे हैं, हेल्थ की क्या दुरावस्था है, क्या डेंजरस सिचुएशन है आज के दिन में। नर्सिंग होम में आपको जाएंगे बड़े बड़े शहर में, आपको बोर्ड दिखता है पैकेज, किडनी ट्रांसप्लांट 1.5 लाख की पैकेज, हार्ट की ऑपरेशन 2 लाख की पैकेज, ये ऑपरेशन 3 लाख की पैकेज। एक मिडिल क्लास जिंदगी भर जितना पैसा कमाते हैं मैक्सिमम चले जाते हैं उसकी हेल्थ के पीछे, 50 साल तक शरीर की कुर्बानी देके खूब पैसा कमाते हैं और 50 साल के बाद पैसे की कुर्बानी देके टूटा हुआ शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं, आपको नहीं लगता है? लोगों को एडुकेशन, हेल्थ और इनकम सिक्योरिटी देना चाहिए, मैं तो बोलता हूं मुफ्त में बोलना चाहिए, पैसा ना भी दिया जाए तो भी, लेकिन पैसा अगर ना दिया जाए 2-4 बार करेंगे, रोज रोज नहीं करेंगे। जब पैसा मिलेगा तो वो इंटरेस्ट भी रहेगा काम को आगे लेके जाने के लिए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? दूसरा मेरे को एक बताइएगा आप, अच्छा आपको आपका जिंदगी का सपना पूरा करना है उसको पूछिए, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ सीरियसली?
आप क्या अपना जिंदगी परिवर्तन करना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हो आपके बच्चे भी आने वाले दिन पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, मेडिकल पढ़े? आप नहीं चाहते हो फॉरेन घूमना? आपका ड्रीम है, आपने बताया ना पहले ही, होगा आपका ड्रीम? आप मुझे बताइए। चलिए नेटवर्किंग नहीं करेंगे, एक दूसरा, मुझे अपना जिंदगी का सपना पूरा करना है, अगले 5 से 7 साल में मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को फॉरेन ट्रिप चाहिए, मेरे को नाम चाहिए, शौहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी एक नंबर रस्ते से, सर ऊंचा करके चल सकता हूं, ऐसा कोई प्रोफेशन बताइए। आप बताइए, मैं आपको 9000 देता हूं। दोस्तों जब आप ऐसे किसी को बोलेंगे वो क्या बोलेगा? नहीं एक्चुअली ऐसा तो नहीं है। हाँ आप अगर देखेंगे रास्ता आपके पास भी नहीं है। दिस इज ओनली द प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे देश में 10 साल है से ये प्रोफेशन है। यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री सैकड़ों साल से इस प्रोफेशन में लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग जब अमेरिका में, यूरोप में जो चीज पहले आते हैं, इंडिया में वो 100 साल बाद लोग समझते हैं। यही एक प्रोफेशन है, बल्कि एकमात्र प्रोफेशन है जहां पर ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं वेल्दी क्लास, टाइम कंपाउंडिंग साइंस। आप मुझे बताइए, मुझे टाइम कंपाउंडिंग साइंस करना है, अदर्स पीपल टाइम टैलेंट एफर्ट को एंजॉय करना है, अदर देन नेटवर्किंग दूसरे एक प्रोफेशन बताइए, मैं उसमें चला जाऊंगा। उनके पास जवाब होगा दोस्तों? होगा क्या? नहीं है। तो उनको क्लियर कर दीजिए, उनका जो मेन प्रॉब्लम था इस टाइप के काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको समझा दीजिए इस टाइप के काम छोड़ के अपना सपना पूरा करने के लिए दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं मार्केट में। ऑनेस्टली अगर काम करे तो, सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करे तो। और जो उनके सवाल था, मैं लोगों को बताऊंगा मेरा रिप्यूटेशन खराब होगा, सम्मान जाएगा। उनको बताइए, लोगों को जब एडुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी देने में सम्मान जाती नहीं है, सम्मान बढ़ती है। जैसे आज एग्जाम्पल देखो, उनको बोलिए कि आज स्मार्ट वैल्यू का कोई पार्थ भौमिक किसी दिन सुरजीत अधिकारी का घर में गया था उसको फीडबैक करने के लिए, एडमिशन दिलाने के लिए। तब लगा था ये कैसा काम है, लोगों का घर में जाके बताना पड़ेगा। आज सुरजीत अधिकारी इस सिस्टम से अपना घर बनाया, आलिशान फोर्ड फिएस्टा गाड़ी लिया, बहन का खादी दिया धूमधाम तरीके से, दुबई गया, हांगकांग गया, बड़ा बड़ा कंट्री घुमा, लेकिन हर बार स्टेज में उठ के एक बार तो भी याद करता है पार्थ भौमिक को। अगर उस दिन मेरा घर में देवदूत बन के आया नहीं होता, उस दिन ऊपर वाले के भेजा हुआ स्मार्ट वैल्यू का पैगाम लेके मेरा घर में अगर आया नहीं होता तो आज ये दिन ना मिलता। मुझे बताइए आप, दुनिया का ऐसा कौन सी प्रोफेशन है? दूसरे प्रोफेशन में बॉस के नाम पर गाली दिया जाता है, यहां पर जो रस्ते दिखाते हैं उनको जिंदगी भर सम्मान दिया जाता है। इस प्रोफेशन में आपको इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली आप नदी के किनारे से नदी की गहराई देख रहे हो, एक बार समुंदर में तो आइए तो आपको समझ आएगा ये सिस्टम में कितना इज्जत कितना शोहरत है। जब सुबह कोई फोन करके बोलता है, कोई आंटी के बेटा तुम लोगों की नरिश नोनी की वजह से मुझे जीवन दान मिला है, चल नहीं सकते थे, बिस्तर में पड़े हुए थे, नरिश नोनी सोया प्रोटीन के कारण आज हम घर की सब कुछ संभालते हैं, पूरे परिवार मुझे बीमार 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 बोल के मैं एकदम अलग हो चुका था सबसे, आज नरिश नोनी प्रोटीन से मेरे को दोबारा जीवन दान मिला है। सच्ची में मेरा गाड़ी मेरा घर बांग्ला से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे। जब कोई बंदा फोन करके बोलो दादा आज मैं अपना जिंदगी का सपना पूरा किया, या मां फेजार बाइक लिया, एक पल्सर 150 बाइक लिया जो कभी नहीं हो सकता था, तब लगता है सच्ची में दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन चुना है जहां पर सुबह नींद से उठने का पहले ऐसा SMS आता है और बहुत ही खुशखबरी के साथ दिन शुरुआत होता है। दूसरे कोई प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगा। आप आइए इस प्रोफेशन को देखिए तो सही, आपको समझ आएगा कि कितना बेहतरीन प्रोफेशन है ये, कितना नोबेल प्रोफेशन है। क्योंकि कोई दूसरे प्रोफेशन में आप किसी लोग अगर आपके पास आ जाए, बड़ा अफसर बन गए, बहुत बड़े आप अधिकारी हो, कोई जगह पे नौकरी कर रहे हो, कोई आके आपको बोलता है मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए ना, आप तो बहुत बड़ा अधिकारी है अफसर है, कर सकते हैं? नहीं।
मेरे को एक नहीं 100 आके बोलेगा मेरे को जिंदगी बनाना है, आप जैसे बोलेंगे वैसा चलेंगे। कोई मेरे को उसकी जिंदगी का 5 साल इस सिस्टम को दे देगा, हम लोगों को दे देगा, हम लोग उनकी जिंदगी 100% चेंज करके रख देंगे। इससे नोबेल प्रोफेशन क्या हो सकता है जहां पर लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लाया जा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम में। ये पॉइंट उनके सामने दिखाना है। एक्चुअली वो सोच रहे थे ये सेल्स है, उनको इसके पीछे फिलोसफी समझ नहीं आ रहा था। जब आप सिस्टम की फिलोसफी समझाएंगे, और दोस्तों हमारे जो सिस्टम की फिलोसफी है उसको किसी की भी आगे रख देंगे तो हर प्रॉब्लम की समाधान हो जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? अगर सब कुछ इतना बढ़िया है तो क्यों सब लोग नहीं आ जाते? ये बात तो सही है। डॉक्टरी पढ़ना अच्छा है बुरा है? सब डॉक्टरी क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई लिखाई करके अच्छा होता है बुरा होता है? फिर भी सब पढ़ते नहीं है। सिर्फ कौन पढ़ते हैं? जो अपने करियर के बारे में सीरियस होते हैं। ये सब न हो, दुनिया के सब इंसान अगर एक ही प्रोफेशन में आएगा, मतलब ये हुआ दुनिया के सब लोग देखने में एक जैसे हो जाएंगे। कोई काला नहीं, गोरा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, मोटा नहीं, नाटा नहीं, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो अच्छा और बुरा का फर्क दिखेगा? दुनिया में विभिन्नता रहना चाहिए। यस और नो? सभी लोग अगर गाड़ी खरीद लेंगे तो ड्राइवर मिलेगा चलाने के लिए? फिर सभी लोग अगर गाड़ी ले लेंगे तो गाड़ी चलाने वाले लोग मिलेंगे? सभी लोग अगर अपने सिस्टम में आ जाएंगे तो बैंक में ड्राफ्ट बनाएगा कौन? यस और नो? तो हमें सेवा देने के लिए भी तो सोसाइटी में डिफरेंट लोगों की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दुनिया के सभी लोग एक ही प्रोफेशन में आ जाएंगे। लेकिन इतना गारंटेड है, दुनिया का मैक्सिमम ड्रीमर लोग, सपने जिनका है पूरा करना चाहते हैं लेकिन खुद के पास रास्ते नहीं है, उनके लिए इससे बेहतरीन रास्ता और कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अंडर द अर्थ टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ ए ऑर्डिनरी पर्सन। इज इट क्लियर? समझ आ रहे? नेक्स्ट yes. अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट होता है तो, है ना? ओके yeah. okay. तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा होता है, बुजुर्ग इंसान तो ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना? स्टूडेंट बोलते हैं कि सब तो ठीक है लेकिन मेरा एग्जाम होने का बाद, सबसे पहली बात है इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए भी जो टालेंगे उनका सब ठीक नहीं है। जिनका सब ठीक होता तो अभी के अभी निर्णय लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको अभी तक हमने जो भी चीज उनको क्लियर किया कोई ना कोई जगह पे उनको अटक रहा है। उसके ऊपर उनको ही उल्टा आप सवाल कीजिए, सही में सब कुछ ठीक है? मतलब आप ये डिसीजन ले चुके हो मेंटली कि आपको अपनी जिंदगी चेंज करना ही है? आपको दिख रहा है कि ये सिस्टम में एडमिशन लेना कितना अर्जेंट है? क्योंकि एग्जाम तो कितना आया कितना गया, 10वीं तक 10 बार एग्जाम लिखे, 12वीं तक 12 बार, ग्रेजुएशन तक 15 बार, शायद मास्टर डिग्री तक 17 बार, 15 बार एग्जाम दे चुके हैं, अभी तक जिंदगी में कोई बदल नहीं आया है। अगले 2 साल में बाकी 2 एग्जाम देखे भी आपको दिख रहा है कोई बदलाव? नहीं दिख रहा है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ऐसे कितने सारे लोग आपको दिखाएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल से है, 3 साल का एग्जाम दिया, 5 साल का एग्जाम दिया, 7 साल का एग्जाम दिया, अभी एक जनरेशन यानी एक प्रजन्म को सिक्योर कर चुका है, सुरक्षित कर चुका है। आपको अगर सही में यह समझ आया तो एग्जाम आपके लिए कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, है ना? थोड़ा सा और गहत आपको बोलिए तो, दूसरा कोई सवाल है क्या? नहीं आपके मन में बोल सकते नहीं एक्चुअली सब ठीक ही है, एग्जाम ही सिर्फ मेरा एक प्रॉब्लम है। ताइए मैं आपको ये भी बता सकता हूं, इस बात में कोई अगर ऐसे बोल रहे हैं, एग्जाम कब है सुन लीजिए, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना वट एवर बाद आप उनको ये बता सकते हैं कि एग्जाम की पहले एडमिशन लेके, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि आप जब से एडमिशन लेंगे तभी से आपको काम करना चालू करना है। काम आप यहां पर कभी भी चालू कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिले करोगे डिसीजन लेने में, उनको आप ऐसे बताइए कि फ्रेंड्स तुम होंगे ऐसा
इसके पहले तुम्हारा पहले मैंने 124 लोगों को ऐसे मीट किया जो बोला था एग्जाम देने के बाद एडमिशन लेंगे, लेकिन ऊपर वाले को यह नामंजूर था, इसीलिए वो लोग एग्जाम के बाद आ नहीं पाए। क्यों? तुम्हारा जिंदगी में तो एक ही एजेंडा नहीं है। दो महीने तक तुम्हें क्या लगता है स्मार्ट वैल्यू की मैसेज लेके मैं तुम्हारे घर आता फिरूंगा? सॉरी नहीं, मुझे काम करने के और भी बहुत सारे लोग हैं। और दो महीने में तुम चाहो तो भी एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि तुम्हारे को इसके बाद अगर पढ़ाई, फिर एग्जाम, फिर जब एडमिशन लेने गए तब घर का कोई प्रॉब्लम, फिर पापा का बीमारी, फिर बहन का शादी, फिर छत से पानी गिर रहा है, कितने एजेंडा है ना अपना लाइफ में। इन सारों चीजों के बीच में सबसे बेहतरीन मौका स्मार्ट वैल्यू में आने का वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। और दो महीने के अंदर हम भी इतना बिजी हो जाएंगे कि कॉल नहीं आया था उसकी हमें कोई खोज भी नहीं रहेगा, कोई हम मतलब जानेंगे ही नहीं कौन दो महीना पहले पीछे छोड़ गया था, कौन सा दोस्त तुम्हें लेने के लिए और कोई आ भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हें इतना बताऊंगा, अगर तुम्हें यह समझ आ चुका है कि यह सिस्टम जरूरी है, पहले यह बताओ तुम्हें क्या लगता है सिस्टम जरूरी है? सच्ची में अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो? ऑनेस्टली सच्ची में क्या चाहते हो आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो? जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो? दिख रहा है ये छोड़ के कोई करियर का ऑप्शन नहीं है? दिख रहा है? तो टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन राइट नाउ। काम दो महीना बाद चालू करना, और बाकायदा आप अगर एडमिशन अभी लोगे, दो महीना काम नहीं करोगे, दो महीना तक आपके ऊपर जितने लोग हैं क्या लगता है इंतजार करेगा आप कब आके दो महीना बाद काम करोगे? वो अपना काम करता जाएगा। ये भी पता है सिस्टम का सभी का लेफ्ट और राइट दो डायरेक्टर छोड़ के तीसरा नहीं ले सकता है। कहीं ना कहीं आप अगर नहीं भी काम कर रहे हो आपकी टीम काम तो करता रहेगा, आपको छोड़ के तो नहीं करेगा, आपको लेके ही काम करेगा, मतलब आपकी नीचे से ही काम करेगा। तो कहीं ना कहीं दो महीना बाद अगर आप आते भी हो तब तक थोड़ा बहुत कुछ टीम भी बन जाते हैं, याद रखना वो आपका जिंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा यानी एडवांटेज मिल गया। दो महीने बाद जब काम करने आए तब देखिए ऑलरेडी आपका बिजनेस मूव करना चालू कर चुके हैं विदाउट यू। और फ्रेंड्स एग्जाम की जो सवाल है कि एग्जाम की बात करेंगे उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि अगर एग्जाम के बाद आप करेंगे, मतलब क्या एग्जाम अभी आपके लिए जरूरी है, ज्यादा जरूरी है ये ठीक है, लेकिन एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स उनको ये चीज भी समझाना जरूरी है कि एग्जाम अगर आपके लिए आज के दिन में जरूरी है तो स्मार्ट वैल्यू उससे ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर हिज करियर। इतना एग्जाम दिया जिंदगी का बेहत अभी तक जिंदगी चेंज नहीं हुआ, सबसे बड़ा एग्जाम आज देने के लिए आया है वो क्या है? स्मार्ट वैल्यू में डिसीजन लेने की एग्जाम। एग्जाम में दो चीजें पास फेल, अगर डिसीजन स्मार्ट वैल्यू की फेवर में लेता है तो इस इम्तिहान पास, तो जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान में पास। और आज अगर डिसीजन ले नहीं पाया तो जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम में फेल हो गया। और बाकी जो एग्जाम हम लोग देते हैं प्लेन बीए बीकॉम बीएससी का, उस एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंप्यूटर में ए लेवल, बी लेवल, ओ लेवल, जेड लेवल सीखने का बाद, बायोडाटा बनाने का बाद, लोगों के दरवाजे फिरते रहेंगे मैं बिक रहा हूं मेरे को खरीदो, भाव लगाओ मेरा, यही होगा ना। अब जो एग्जाम देंगे उस एग्जाम हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद कंपनी के पास जाएंगे बायोडाटा लेके, सर दिस इज सर माई बायोडाटा सर, कितने में खरीदोगे मेरे को, मैं बिक रहा हूं। जब पूछता है सैलरी क्या होगा, मतलब यही पूछता है ना, आई एम ए प्रोडक्ट, लेट मी टेल माई प्राइस, ये सब है कि मैं कितने में बिकूंगा। लेकिन दिस इज द एग्जाम जहां पर आप डिसीजन लेने के बाद मार्केट में जाके खुद को बिकने का जरूरत नहीं है, यू विल डिसाइड योर ओन प्राइस, भाव खुद का खुद लगाओगे, कितने में आप खुश रहोगे, अपना चेक ब्लैंक रहेगा, खुद भर पाओगे। दिस इज सच ए प्रोफेशन, इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, बैठ जाइए प्लीज। डॉक्टर क्यों नोनी रिकमेंड नहीं करते हैं, है ना? एक चीज बताइए, वकील क्या चाहेगा? सोसाइटी में सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो बंद हो जाए, लोग मारा मारी बंद कर दे, डाइवोर्स बंद हो जाए, ये चाहेंगे? भाई भाई से लड़ना बंद कर दे, वकील क्या चाहेंगे? लोग खूब लड़े, खूब मारा पीट करे, चेतर लो,
तभी तो इसको पैसा बनेगा। पुलिस क्या चाहेगा, आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाए या बिना हेलमेट का? हेलमेट पहनने से उसको क्या फायदा, हेलमेट ना पहनने से तो 100 रुपया आएगा, ये सब लोग। डॉक्टर क्या चाहेगा, लोग बीमार ना पड़े या लोग खूब बीमार पड़े? लोग खूब बीमार पड़े। नरिशनोनी प्रोटीन फूड है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, डायटरी सप्लीमेंट है, जो लेने से हमारा डिफेंस पावर इतना बढ़ जाते हैं कि हमें बीमार होने की अवसर नहीं आता है, बीमार हम होते ही नहीं। तो ये अगर लोग ज्यादा यूज करेंगे, डिफेंस पावर अगर बढ़ जाएगा, तो डॉक्टर लोग बेरोजगार हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? डॉक्टर पढ़ाई जो करते हैं ना, 5 साल की MBBS की सिलेबस, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन की कुछ भी सिलेबस नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। डॉक्टर्स पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल्स, नॉट न्यूट्रोसिटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, बीमार हो गया, किस बीमारी पे क्या दवाई देना है, इस किस बीमारी पे कौन सी दवा देना है। डॉक्टर ये नहीं पढ़ते हैं कि इस बीमारी को पहले से ही रोकना कैसे है। इसलिए कोई डॉक्टर के पास जाकर आप बोलिए, डॉक्टर साहब डायबिटीज ना हो, इसकी कुछ दीजिए मेरे को पहले से। डॉक्टर बोलेगा पहले डायबिटीज होने दो, फिर मेरे पास आ जाओ। डॉक्टर काम करते हैं ब्रेकडाउन के ऊपर, नुकसान होने के बाद। नोनी के काम है प्रिवेंशन, नुकसान होने की बात तो काम करता ही है, नुकसान होने की पहले, नुकसान होने की जगह ही नहीं रहता है, पहले से ही प्रोटेक्शन दे देता है। दूसरी बात, डॉक्टर जिनकी किताब पढ़ के डॉक्टर हुआ ना, MBBS में भी तो उनको किताब पढ़ा होगा, किसकी, प्रोफेसर सचन सच। ऐसे कितने सारे रिसर्च वर्कर, कितने सारे साइंटिस्ट PhD डब्ल्यू से लेके डिस्कवरी चैनल आज बता रहे हैं नरिश नोनी सोया प्रोटीन के बारे में, इसकी जरूरतों के बारे में। डॉक्टर्स क्या बताएगा, डॉक्टर्स की जो डॉक्टर होता है दैट इज PhD प्रोफेसर बड़े बड़े जगह का, दे आर रिकमेंडिंग नरिश नोनी सोया प्रोटीन, दे आर टेलिंग द बेनिफिट ऑफ नरिश नोनी एंड प्रोटीन। डॉक्टर कालिदास नहीं है, जो डाल पे बैठे हैं उसी को काटेंगे। जो बीमार लोग से उनको रोजगार आता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग बीमार ना पड़े। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस। नेक्स्ट, प्रोडक्ट तो अच्छा है, तो ज्यादा कॉस्ट नहीं है। हाँ जी, ये एक सवाल हो सकता है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। एक्चुअली बात यहां पर है, प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है फ्रेंड्स, उनको समझाना है प्रोडक्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। What is the, क्या फर्क क्या होता है कॉस्टली और कॉस्ट इफेक्टिव में? कोई चीज 100 ग्राम की है, उसकी कॉस्ट क्या है 50 रुपया, यूज कितना होता है मान लीजिए 1 महीना। दूसरा एक चीज है, उसकी 100 ग्राम का दाम है 500 रुपया, लेकिन इसको यूज कितना कर सकते हैं, काफी दूर समय तक, और उसकी फायदा भी कितना है, बहुत दूर तक। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? जैसे मैंने आपको बताऊं, ये जो प्रोडक्ट लग रहे हैं नरिश नोनी प्रोटीन 1200-1350 रुपया 1 लीटर का, थोड़ा कॉस्टली है, 500 ग्राम प्रोटीन 1350 रुपया कॉस्टली है। लेकिन फ्रेंड्स ये सोचिए, अगर ये हम यूज ना करें और शरीर को बीमार होने दें, होने के बाद जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा वो कॉस्टली नहीं है? आपके दिन में ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है? एंजियोप्लास्टी 1.5 लाख, बाईपास सर्जरी 1 लाख, किडनी ट्रांसप्लांट कई लाख, केमोथेरापी 1 लाख। एक गरीब आदमी को आज बीमार हो जाए, बड़ा कोई कैंसर आ जाए, डायबिटीज आ जाए, उनको हार्ट ऑपरेशन करना पड़े, ऊपर वाले को प्रार्थना करूंगा ऐसा कभी गरीबों की जिंदगी में ऐसा मोहलत ना आए। क्यों? परेशान हो जाएंगे, ट्रीटमेंट कहां से कराएंगे? यस और नो? नरिश नोनी सोया प्रोटीन किडनी से भी कॉस्टली है, उनको समझाना है। आपकी जो हार्ट हृदय है उससे ज्यादा कीमती है, उससे ज्यादा कॉस्टली है नोनी, इंसान से ज्यादा कीमती है। Yes or no? 6 महीना कोई अगर नोनी यूज करता है 1300 रुपये के हिसाब से 7,500 होता है, ना करते हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ट्रीटमेंट की खर्चा है। सो नोनी प्रोटीन कॉस्टली या ट्रीटमेंट कॉस्टली, कौन सा? तो उनको समझ आ जाएगा कि नोनी प्रोटीन उस हिसाब से काफी सस्ती है। क्यों? 1.5 लाख ट्रीटमेंट के पीछे खर्चा करने से 10 साल तक नरिश नोनी प्रोटीन यूज किया जा सकता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? व्हाट कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो मुझे क्या स्पिलओवर मिलेगा, है ना, ऐसा सवाल होता है ना। ये बात पे तो सबसे पहले उनको बताना है कि एजुकेशन सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी भी दो लोगों तक हम लोग पहुंचा नहीं सकते हैं। घर में शादी होंगे तो 500 मेहमान आ जाएंगे, उसमें से 2 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको ये सारी चीजों की जरूरत है।
अगर किसी को ये पूछते हैं तो उनकी जवाब क्या होगा? बिल्कुल रहेगा, यस सर नो। और स्पिल ओवर तो हैंडीकैप लोग मांगते हैं, स्पिल ओवर तो वो मांगते हैं जो हैंडीकैप है, अपाहिज लोग हैं। आपसे तो मेरा यही उम्मीद है कि आप स्पिल ओवर मांगेंगे नहीं, बल्कि आपके साथ भी जो लोग आएंगे उनको भी आप अपने से उनको भी सपोर्ट करेंगे आपके लिस्ट बिल्डिंग से। ये मेंटेलिटी रख के आइए कि मेरे को स्पिल ओवर देगा, ये सोच के नहीं आइए, बल्कि ये सोचिए मैं दूसरे को स्पिल ओवर देके दूसरे को मदद करूंगा। हाँ, अगर ऐसा होता है, आपका बोलना जो चाह रहे हो कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूं किसी कारण से मेरे को नहीं हो पा रहा है, याद रखिएगा आप कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो 100% सपोर्ट टीम है जो आपको मदद करेंगे आपके सिस्टम को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि ये एक विन विन बिजनेस सिस्टम है जहां पर हम तब जीतेंगे जबकि आप जीतोगे। आपको जिताना मेरा भी फर्ज बनता है, राइट? बट याद रखना दोस्त, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ऊपर वाले उन्हीं की मदद करता है जिनको खुद की मदद करना आती हो। आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, ऐसा होता नहीं है। ट्रेनिंग सिस्टम में आओगे अपने आप कर पाओगे, फिर भी अगर ऐसा होता है पूरे सपोर्ट टीम है आपको हेल्प करने के लिए आपकी कोशिश देखने की बात। इज इट क्लियर? ऐसे करके उनकी ये सवाल को क्लियर करना है। अगला सवाल क्या आ सकता है? तो और सवाल क्या है आपका? नोनी काम करेगा इसका कोई कोई गारंटी है? तो अक्सर आप सवाल के बदले में एक सवाल कर दीजिए उन्हीं को। आप डॉक्टर को पूछते हैं दवा लेने की पहले कि दवा काम करेगा आपका, इसकी कोई गारंटी है? टीचर जब पढ़ाते हैं तो टीचर को पूछते हैं आपकी पढ़ाई काम में आएगी, इसकी कोई गारंटी है? आपके कॉलेज में पढ़ेंगे तो पास हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी है? देता है कोई गारंटी? लेकिन नोनी में जो सारी चीज रखा हुआ है, 150 से ज्यादा न्यूट्रासिटिकल्स, ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऑल एसेंशियल फैटी एसिड, सारा विटामिन मिनरल्स, शरीर को जो जो सारी चीजें चाहिए वो सब कुछ मौजूद है नोनी में। तो नोनी काम करेगा, इसकी और गारंटी की कोई जरूरत है? हाँ, अगर प्रिकॉशंस आप मान के चलेंगे, कुछ प्रिकॉशंस हम लोग जो देते हैं, जैसे कि खाली पेट में नोनी पीना, 4 से 6 महीना कंटिन्यूअस नोनी पीना, 12 से 15 ग्लास पानी पीना, एंड एटलीस्ट 15 मिनट एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज अगर आप मेंटेन करेंगे, नोनी को काम करना ही है, इससे कोई चारा नहीं है, जिसके हजारों एग्जाम्पल्स हम लोग का पास रखा हुआ है। बोल के दोस्तों आप लोग टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, नोनी यूज करके, प्रोटीन यूज करके कितने सारे लोगों को फायदा हुआ है, वो टेस्टिमोनियल, वो कागजात, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। जिनको भी हम नोनी प्रोटीन दे रहे हैं, फायदा हो रहे हैं, उनसे एक लेटर, टेस्टिमोनियल लेटर हम लोग जिनको बोलते हैं, फोटो लगा के अपना पास रखना जरूरी है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? उसके साथ साथ एक ऐड कर दीजिएगा उनको कि नोनी कभी भी जब लीजिएगा, प्लीज इसको कोई फूड सप्लीमेंट या ऐसा सोच के नहीं लेना है, यही सोच के लेना है ऊपर वाले के दिया हुआ प्रसाद है, ये अमृत है, ये इसको विश्वास के साथ लेना है, पूरे विश्वास के साथ। मैं श्योर करता हूं आपको, अगर ऐसा फीलिंग्स के साथ आप नोनी लेंगे, इसको अमृत समझकर कि ये आपके शरीर में जाके शरीर का जितना सारा गंदगी है उसको मिटाएगा, और आपको जो आप जो अच्छा होने चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपका है उसको अच्छा रखेगा, शरीर का इस मंदिर को साफ सुथरा रखेगा, और आने वाला दिन में आपको पूरा प्रोटेक्शन देगा। इस विश्वास के साथ जब आप नोनी लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो 100% नोनी आप में काम करना ही है। और कोई फ्रेंड्स, और कोई सवाल? हालांकि ऐसा सवाल सबको ही नहीं करता, ये कभी कभार मिलता है कि पहले जो लोग पहले आते हैं वो लोग ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, है ना? और हालांकि कंपनी को 11 साल हो चुका है, 16 लाख एसोसिएट हो चुका है, अभी क्या हम आके इस सिस्टम से कामयाब बन पाएंगे? है ना, ऐसा रहता है ना? तो फ्रेंड्स, इसका मैं बताना चाहूंगा कि इस उनको दिखाइए, इस सिस्टम में जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं उनको बोलिए, सन 2000 में ज्वाइन करते हुए सक्सेसफुल लोग हैं पार्था भौमिक, सॉरी सन 2000 में एडमिशन लेते हुए सक्सेसफुल लोग हैं पार्था चक्रवर्ती, विश्वनाथ भौमिक, राणा सरकार, ऐसे ढेर सारे। सन 2003 में ज्वाइन करते हुए सक्सेसफुल लोग सुरजित अधिकारी, पार्था भौमिक, ऐसे कई सारे लोग हैं। सन 2006 को ज्वाइन करते हुए सक्सेसफुल लोग, सन 2005-2006 को ज्वाइन करते हुए अमरनाथ बोस से लेके प्रसन्नजीत दास, वित्त शेखर रॉय, मोहसिन खान, राजीव घोष, रामचंद्र अधिकारी, प्रीतम दास,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सन 2008 को ज्वाइन करते हुए बहुत सारे लोग हैं, सन 2010 को ज्वाइन करते हुए बहुत सारे लोग हैं। जिनको करना है वो कभी भी आके करके दिखा जाते हैं, जिनको करना नहीं है उनको कभी भी मौका मिले वो कभी करके दिखाते नहीं है। रेदर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज से जब 11 साल पहले ये सिस्टम चालू हुआ था, तब इस सिस्टम में एडमिशन करके सक्सेसफुल होना सच्ची में काफी मेहनत लगता था। क्यों? 11 साल पहले इतना अच्छा सपोर्ट टीम नहीं था। फ्रेंड्स, 11 साल पहले हमारे 1200 सेंटर नहीं था, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिमिटेड नहीं था, उस समय अपने 30 प्लस ब्रांच ऑफिसेस नहीं था, 16 लाख लोग नहीं था, इतने सारे कामयाब लोग नहीं थे, इतने अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था। आज से इतने साल पहले एडमिशन लेके, 11 साल पहले एडमिशन लेके सक्सेसफुल होना वो ज्यादा मुश्किल काम था, बल्कि आज एडमिशन लेके सक्सेसफुल होना बहुत आसान बन चुका है। क्योंकि आज से 50 साल पहले कोई बच्चा अगर जन्म लेता था, प्री मैच्योर बेबी, 10 महीने में होना था डिलीवरी, 8 महीने में हो चुका है, बचाना मुश्किल था। जन्म के साथ साथ, जन्म लेने के साथ साथ जॉन्डिस हो चुका है, बचाना मुश्किल था। लेकिन आज के दिन में फ्रेंड्स, इतने सारे मेडिकल सिस्टम इतना अपग्रेड किया है, ये सर लो डॉक्टर ने इतना अच्छा, नए नए बहुत सारे डॉक्टर्स बने हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, नए नए तकनीकें, नए नए टेक्नोलॉजी। आज एक बच्चा 7 महीने में भी जन्म लेता है, प्री मैच्योर, उसको भी बचाया जा सकता है। हाँ या ना? आज की ट्रेनिंग सिस्टम इतने पावरफुल है कि आज बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग देके आज इन लोगों को बहुत अच्छे आगे लेके जाया जाता है, जो आज से 11 साल पहले इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं था हमारे पास। राइट फ्रेंड्स? दूसरी बात है, हम लोग काम कर रहे किस चीज को लेके, हमारा मोटो क्या है, फिलोसफी क्या है अपना? एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो बेसिक नीड है कोई भी इंसान का, जो जिंदगी भर चाहिए। जब तक सभ्यता है तब तक इंसान को इन सारी चीजों की जरूरत है। ऐसा कभी होगा कि इंसान को एक दिन हेल्थ को अच्छा रखने का जरूरत खत्म हो जाएगा? ऐसा होगा इनकम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा? ऐसा होगा एडुकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा? यह तो आज जो बच्चा जन्म ले रहा है, कल उसको चाहिए हेल्थ के बारे में समाधान, करियर, रोजगार करने की जगह, और वही तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्मार्ट वैल्यू ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहा है जिसकी आज सोसाइटी में जरूरत नहीं है। ये सर ये बोल सकता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जरूरत नहीं है, ये बोल सकते हैं टीवी की जरूरत नहीं है, नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। वो तो लास्ट 11 साल से ऑर्गेनाइजेशन खुद को इतना बेहतरीन लेवल से अपग्रेड करते हुए जा रहा है, सोसाइटी की नीड के अनुसार सिस्टम भी अपने को उस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उस तरीके से खुद को बना रहा है, आगे लेके जा रहा है। राइट? आज के दिन पे एडमिशन लेके सक्सेसफुल होना ज्यादा आसान है। मैंने गाड़ी लिया था इस सिस्टम से, 3 साल लग गया था, 3.5 साल लग गया था एक पहला कार मुझे अचीव करने के लिए, आज के दिन में लोग 2 साल में अचीव करते हैं। मेरे को 9 महीने लगा था 2 व्हीलर लेने के लिए, आज 6 महीने में लोग लेते हैं। क्यों? आज की ट्रेनिंग सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है। वो समझा दीजिए उनको कि आज एडमिशन लेने के बाद उनको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, उनको समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर? पहले ज्यादा डिफिकल्ट था, आज ज्यादा आसान है। पहले सिर्फ एडुकेशन था, आज एडुकेशन हेल्थ इंश्योरेंस है। आज से 5 साल और जितना आगे बढ़ेगा और उतना तरक्की होगा। राइट फ्रेंड्स? और कोई सवाल? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने इसकी पहले नोनी यूज किया था लेकिन मुझे ढंग का फायदा नहीं मिला, ऐसा ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली सबसे पहले उनको यह सवाल पूछना है कि उन्होंने नोनी कौन सा यूज किया था, ऐसे पूछिए। अच्छा, आपने इसकी पहले नोनी यूज किए होंगे क्या? बोले हाँ। कोई प्रीमियम ब्रांड का किए थे? कोई बढ़िया अच्छी कंपनी का, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी नाम हो मार्केट में? और आप कितने दिन तक यूज किए थे? काफी हद तक आपको जवाब मिलेगा कोई छोटा मोटा कंपनी की नोनी उन्होंने यूज किए होंगे, या तो 15 दिन 1 महीने के लिए दवाई समझ के, क्योंकि जिन्होंने दिया था उन्होंने उसकी, इनकी महत्व तो उनको अच्छे से समझाया नहीं था कि इसको कंटिन्यू लेना है 4 से 6 महीने के लिए, और उनके साथ साथ ये प्रिकॉशंस मेंटेन करना है। जब भी आपको पता चलेगा कोई छोटा मोटा कंपनी का नोनी उन्होंने लिया था, वो भी कुछ पल के लिए 15 दिन 1 महीने के लिए, एक आधा फाइल उन्होंने यूज किया था, तो उनको साफ बताना है सॉरी। आप अगर नरिश नोनी को भी ऐसा ही 1 महीने के लिए ट्राई करना चाहोगे, मैं बोलूंगा आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए, कमिट कीजिए कि आप 4 से 6 महीने नोनी पियेंगे, साथ में ये प्रॉमिस कीजिए 10 से 12 ग्लास पानी पियेंगे,
साथ में ये प्रॉमिस कीजिए एटलीस्ट 15 मिनट दिन में एक्सरसाइज करेंगे तो 100% नरिश नोनी रिजल्ट करेगा। इसका मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाता हूं बोल के दोस्त फ्रेंड्स आप उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो नरिश नोनी जो कमाल करके दिखाया है, जो बेनिफिट जो फायदा हम सब लोगों को दिया है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? काफी लोगों का यह सवाल होता है मैं तो एडमिशन लेना चाहता हूं लेकिन मैं सरकारी नौकर हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? ये तो सवाल छोटा सा आंसर है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है फ्रेंड्स उसको उनको हम खुद के नाम पे करने के लिए नहीं बोलेंगे। वो अपने फैमिली का किसी का भी जो 10th प्लस है 10वीं पास है और 18 साल जिनका उम्र हुआ है वो उनके नाम पे कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बल्कि हम उनको सलाह देंगे कि वो दूसरे किसी के नाम पे ही करे सरकारी नौकरी अगर वो करते हैं तो, या तो ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर में भी वो नौकरी करती हो जहां पर नौकरी करने का साथ साथ उनको कोई इनकम दूसरे इनकम करने का कोई प्रोफेशन का साथ वो नहीं जोड़ सकते। अगर ऐसा है तो सलाह उनको देना है कि वो किसी और के नाम पे ही इस सिस्टम पे ज्वाइन करें। और कोई सवाल? सब लोग अगर एडमिशन ले लेंगे स्मार्ट वैल्यू में तब क्या होगा? एक दिन तो आएगा लोग खत्म हो जाएंगे। सही बात है, एक दिन तो होगा 125 करोड़ आबादी स्मार्ट वैल्यू में आ जाएंगे। उनको आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि स्मार्ट वैल्यू अभी कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने सालों से? 11 साल। कितने एसोसिएट है अपना? 16 लाख। अगर हिसाब से देखा जाए तो एक साल में कितना एडमिशन होता है, मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख, भारत की जनसंख्या 125 करोड़, मान लीजिए 100 करोड़, मान लेते 100 करोड़ लोग स्मार्ट वैल्यू में नहीं आएंगे, इसकी 1% लोग स्मार्ट वैल्यू में आएंगे तो 100 करोड़ की 1% कितना होता है? 1 करोड़। और एक साल में स्मार्ट वैल्यू में कितने आ रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख एडमिशन लेने के लिए एक साल लगता है तो 1 करोड़ यानी 100 लाख एडमिशन लेने के लिए कितना समय लगेगा? यानी 100 साल, कम से कम 50 साल। ये सर हूं तो अगले 50 साल तक स्मार्ट वैल्यू होगा, ये गारंटेड है। तो अब जो नौकरी करने के लिए जाते हैं 50 साल सोच के जाते हैं, 50 साल इनकम करेंगे, 20 से 25 साल सोच के जाते हैं, या तो 50 साल गारंटेड है। 50 साल में जब 1 करोड़ लोग स्मार्ट वैल्यू में आ जाएंगे उस दिन भारत की आबादी 125 करोड़ रहेंगे या 250 करोड़ हो जाएंगे या उससे ज्यादा हो जाएंगे? ये सर हो तो इसको लेके कोई चिंता करने का बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ तो ऐसा नहीं है ज्वाइनिंग है, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं वो भी तो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करेंगे। आज हम लोग हेल्थ के लिए सारे प्रोडक्ट स्मार्ट वैल्यू से उठाते हैं, एडुकेशन कोर्स करने यहीं से लेते हैं, इंश्योरेंस हम लोग यहीं से लेते हैं, जो अपना एसोसिएट बनेगा वो भी तो रेगुलर लेवल पे परचेस करेंगे। यस और नो? और सोसाइटी में बेसिक नीड हर वक्त इसकी जरूरत रहेगा, राइट फ्रेंड्स? तो अभी हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि आपको यह समझ आ चुका है कि लोग खत्म होने वाली नहीं है, एटलीस्ट आप जब तक इस दुनिया में रहेंगे। नेक्स्ट, और क्या सवाल आ सकता है? कोई ऐसा बोलता है, मेरा दोस्त जैसे मुझे पहले बोला था, अच्छा तो स्मार्ट वैल्यू ना आप जो बिजनेस के बारे में बता रहे हो, आप जो प्लान बता रहे हो तो स्मार्ट वैल्यू तो ना, मैंने एक्चुअली 5 साल पहले स्मार्ट वैल्यू सुना था। सबसे पहले उनको बोलना है अभी तक कितना रोजगार किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाड़ी कौन सा मेंटेन कर रहे हैं आप, कितना बार फॉरेन जा चुके हैं, अभी क्या पीन, कौन सा लेवल पे हो आप? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं सुना था, एडमिशन नहीं लिए थे। माय गुडनेस, 6 साल पहले आपने जिस दिन स्मार्ट वैल्यू सुना था या 4 साल पहले जब स्मार्ट वैल्यू सुना था तब से आज का स्मार्ट वैल्यू का क्या फर्क आपको नजर आया? उनको पूछिए, ज्यादा जवाब दे नहीं पाएगा। उनको बोलिए 6 साल पहले स्मार्ट वैल्यू का साथ एशियन पैसिफिक लर्निंग लिमिटेड नहीं था, आज है। 6 साल पहले इतने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वेब डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग इतने सारे कोर्स नहीं था, आज है। 6 साल पहले नरिश ब्रांड का जन्म नहीं लिया था, आज है। 6 साल पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं था, आज है। 6 साल पहले 30 ब्रांच ऑफिस नहीं था, आज है। 1200 सेंटर्स है, सारे अचीवमेंट्स बताइए। 6 साल पहले जब आप स्मार्ट वैल्यू को देखे थे और आज जब स्मार्ट वैल्यू को देख रहे हो, स्मार्ट वैल्यू पीछे गए हैं या आगे बढ़े हैं? 6 साल पहले जब आप सुने तब एसोसिएट कितना था? मे बी 7-8 लाख होंगे, आज 16 लाख। इस 6 साल में कंपनी कितनी आगे बढ़ चुके हैं? आप भी अगर आए होते 6 साल पहले, इस कंपनी तो अकेला नहीं आगे बढ़ते, लोगों को साथ में लेके
छह साल पहले अगर आप भी एडमिशन लिए होते आपको लेके ही आगे बढ़ते। समझ आ रहा है कितना बड़ा मिस्टेक। आज से पांच साल बाद भी आपको फिर स्मार्ट वैल्यू कोई बताएगा, तब मे भी इसका जिम रहेगा नरीज जिम, तब मे भी 30 नहीं 100 ऑफिस रहेगा, तब मे भी 100 प्रोडक्ट नहीं 1000 प्रोडक्ट रहेगा, तब मे भी 1200 सेंटर नहीं 10000 सेंटर होगा। और भी लॉस करना चाहेंगे और ज्यादा वेट कीजिए, अगला 15 या 20 साल बाद आपका बेटा भी जिस दिन 18 साल का हो जाएगा उस दिन उसको भी कोई स्मार्ट वैल्यू बताएगा। इंतजार बहुत हो चुका है, नाउ टेक ए डिसीजन। ऑलरेडी आप काफी पीछे पड़ चुके हो, डोंट लेट, बेटर लेट देन नेवर। आइए फॉर्म फिलअप करते हैं। एक बार हाथ से गुजर गया था मौका, दूसरा बार इसको हाथ से जाने ना दे। और क्या सवाल आ सकता है? पहले बाकी लोग कैसे करता है ये वो देखते हैं, फिर मैं एडमिशन लूंगा। मतलब किसी को बोलने का ये है, पहले कुछ लोगों करके दिखाने दीजिए। मैं उनमें से हूं जो पहले खुद करता नहीं हूं, मैं उनमें से हूं जो पहले किसी को करने के लिए देखता हूं उसके बाद ही निर्णय लेता हूं, है ना? ऐसा बोल रहे हैं ना? सबसे पहले उनको बताना है दुनिया में क्या सारे काम पहले और कोई करके दिखाएंगे फिर आप फॉलो करेंगे। सारा जिंदगी भर आप फॉलोअर रहेंगे, लीडर कभी नहीं बनेंगे। एक बार कुछ खुश तो करके दिखाइए, खुद से खुद कोई काम करके तो दिखाइए और दूसरे को बोलिए देखो मैं करके दिखाया, अभी तुम लोग भी फॉलो करो मेरे नक्शे कदम पे अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए। सानिया मिर्जा अगर यही सोचा होता पहले कोई टेनिस में चैंपियन होने दो फिर मैं खेलूंगा, साइना नेहवाल भी अगर ये सोचा था पहले दूसरे किसी को बैडमिंटन में चैंपियन होने दो फिर मैं खेलूंगा, तो शायद आज वो यूथ आइकॉन ना बने होते। आज सानिया मिर्जा ने दिखा दिया एक लड़की भी टेनिस खेल के कैसे इंडिया से चैंपियन हो सकता है। आज लाखों नहीं करोड़ों का हार्ट थ्रॉब है सानिया मिर्जा, करोड़ों लोग आज फॉलो करते हैं। यस और नो फ्रेंड्स? सो दूसरे का एग्जाम्पल को फॉलो ना करते हुए खुद को ही एग्जाम्पल बना दीजिए ना, ये सिस्टम तो आपको साथ में है। दूसरे का कामयाबी है तो दूसरे की फेलियर, इसके ऊपर आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या इंजीनियरिंग पढ़ने का टाइम ये सोचा था पहले बाजू वालों को इंजीनियर बनने दो फिर मैं इंजीनियर बनकर दिखाता हूं, अगर मेरे पड़ोसी डॉक्टर बनता है फिर मैं सोच पाऊंगा मेरे अंदर डॉक्टर बनने की काबिलियत है या नहीं। फ्रेंड आप में सारे काबिलियत है, उस काबिलियत को दिखाने के लिए निकालने के लिए अंदर से प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, प्लेटफॉर्म मिल चुका है स्मार्ट वैल्यू जो आपकी काबिलियत का सही कदर करेगा और अंदर छुपा हुआ आपकी अंदर ट्रिमेंडस पावर एनर्जी को पोटेंशियल को सामने लाएगा जैसे हजारों का लाखों का लाया है। और दोस्तों जब वो बोल रहा है कि पहले दूसरे लोगों को देखते हैं वो करके सक्सेसफुल बनते हैं फिर मैं करूंगा, तो इसका तो ऑलरेडी आंसर अपना पास है। उनको बोलिए और कितने को देखना चाहेंगे, 11 साल में तो सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोगों ने करके दिखा चुका है, कौन सी उम्र का सक्सेसफुल देखना चाहेंगे? 50 55 का बैंक मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना चाहेंगे? स्टूडेंट यूथ 22 24 25 साल का देखना चाहेंगे? मिडिल एजेड हाउसवाइफ सर्विस होल्डर बिजनेसमैन देखना चाहेंगे? सक्सेसफुल लोग ओडिया बंगाली पंजाबी मराठी गुजराती छत्तीसगढ़िया एमपी वाले नॉर्थ ईस्ट वाले आसाम वाले कहां कहां का देखना चाहेंगे? हर उम्र का हर प्रदेश का हर प्रोफेशन का लोग सक्सेसफुल है लास्ट 11 साल में स्मार्ट वैल्यू में। इस सक्सेस की गोडाउन अगर दिखाना चाहेंगे तो दिन भर लग जाएगा सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताने के लिए, और कितने लोग करके दिखाएंगे। अभी सक्सेसफुल लोगों का अंदर खुद की नाम भी जोड़िए, राइट फ्रेंड? ऐसे करके हम उनको जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट और कोई सवाल? अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि मतलब फीडबैक के दौरान मैं घर में गया फीडबैक करने के लिए वो अगर घर में एंट्री ना दे रहे थे तो क्या? बढ़िया, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, हालांकि बहुत कम होता है बट इट इज अ रियल चैलेंज। एकदम आया बैट्समैन बाउंसर, मौका भी नहीं मिला। ये सर सवाल जवाब में आने की पहले ही डायरेक्ट मेरे को बोल दिया, तो क्या करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में? अगर मेरे को एंट्री नहीं दे रहा है क्या सोचूंगा? खेल खत्म, गेम इज ओवर? नो, गेम इज येट अलाइव। यस और नो?
अगर हमें एंट्री ही नहीं दे रहा है कोई जगह पे, सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है, फोन में फीडबैक नहीं करना है। और फीडबैक में हमें एक सिंगल वर्ड में जवाब नहीं चाहिए, हाँ या ना, हमें बात करना है, डिस्कशन करना है, उनकी समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, उसकी मेन प्रॉब्लम में पहुंचना है, उसके बाद ही हम उनको आंसर करेंगे। अगर कोई ऐसा होता है, देखो एंट्री नहीं दे रहा है, पापा बोल रहे हैं नहीं 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 मेरा बेटा को ये सब करना नहीं है, मैं वो मेरे बेटे को ये सब करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर कभी ऐसे बोलते हैं तो उनको बोलिए अंकल एक गिलास पानी पी सकते हैं, आपका बेटा मुझे मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, दोस्त था, एडमिशन नहीं लेने पर भी दोस्त रहेगा, प्रेजेंटेशन सुना था, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने क्लियर करने के लिए आया था, कोई बात नहीं एक गिलास पानी मिल सकता अंकल, और 5 मिनट बैठने का इजाजत मिल सकता है। दोस्त आपका काम है एंट्री लेना, याद रखना, आपने पानी पिया, एंट्री लिया, फिर अंकल से ये सिस्टम छोड़ के दूसरा सवाल दूसरे जगह पे आ जाइए, अंकल ऐसे आप करते क्या है, नौकरी बिजनेस, वहां पर घर तो बहुत अच्छा सजा हुआ है, वगैरह वगैरह सिचुएशन क्रिएट कीजिए करके अभी आइए। अच्छा अच्छा अंकल, हाँ आप बोल रहे थे तो इंटरेस्ट नहीं है ना आपका बेटे का, मतलब करियर बनाने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, या तो उसको रोजगार करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को भी हेल्थ बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी सपना पूरा करने में इंटरेस्ट नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, क्या बोलेगा पेरेंट, एक्चुअली ना ये सब ये टाइप के काम एक्चुअली ओ हम लोगों को पसंद नहीं है। ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, उसने आके आपको बिजनेस पार्ट के बारे में बोला, उसने ये नहीं बोला कि वेब डिजाइनिंग से कितना बेहतर करियर बन सकता है, अंकल ये नहीं बोला एटीट्यूड पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल का कितना जरूरत है आज के दिन में कामयाब बनने के लिए, अंकल ये नहीं बोला हेल्थ इज वेल्थ, बिना हेल्थ का जिंदगी में कामयाबी अधूरा है, इंपॉसिबल है। ओहो, उसको जो बताना चाहिए था वो तो वही नहीं बताया आपको, और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो बताया। अंकल थोड़ा सा 10-15 मिनट की टाइम मिल सकता है, हालांकि मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा उसको, लेकिन 10-15 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं, करके चालू कीजिए डिस्कशन, मिनी एसटीपी का छोटा छोटा पॉइंट, एडुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। अंकल किसी स्टूडेंट को अगर करियर मिलता है इसमें नुकसान क्या है, आपको क्या लगता है हेल्थ सिक्योरिटी जरूरी नहीं है ना, वो तो है, एडुकेशन ये भी अच्छा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये भी चाहिए, तो तकलीफ का है, लोगों को बताना पड़ेगा इस ये खराबी है, तो आ जाइए इसकी पहले जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिया था, ये हुआ नहीं हुआ, क्यों वो एंट्री नहीं दे रहा था, डाउट थोड़ा ज्यादा था और इंसान थोड़ा एग्रेसिव था, हर एक इंसान तो हाथों का 5 उंगली एक जैसा नहीं होता ना, कुछ लोगों का डाउट होता है फिर भी पोलाइट है, नहीं एक्चुअली मुझे ना एक्चुअली ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, कोई एग्रेसिव नहीं नहीं मेरे को ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। इंसान कोई भी किस्म का हो, आज आमने सामने बैठना है, आमने सामने बैठेंगे हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है अपने पास, ये सर नो, ये सर नो। अब एंट्री लीजिए, जो कस्टमर बोल रहा था, जिस पिताजी बोल रहा था मेरा बेटा एडमिशन नहीं लेगा या मेरे को बिल्कुल ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उसी घर में 1 घंटा बात करने के बाद लास्ट सीन क्या है, उसका पिताजी आके आपको छोड़ के जा रहा है, बेटा बहुत दिन बाद एक लड़का देखा जो इतना करियर के बारे में सीरियस है, तुम आते जाना और इसको अपना भाई समझ के गाइड करना, देखो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पे दे रहा हूं अपना बेटे को, ये होगा उसके लास्ट डायलॉग। सो डोंट बी अफ्रेड, अगर किसी को एंट्री नहीं दे रहा है कोई घर में, ऐसा मत सोचिए द गेम इज ओवर, अभी तो गेम खेला ही नहीं आपने, लेट अस प्ले द इनिंग्स, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट, कमीशन के माध्यम से इनकम करना ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। सबसे पहले उनको समझाइए, यहां पर हमें जो इनकम मिलता है नाम से हम लोग बोलते कमीशन, लेकिन एक्चुअली है क्या, सर्विस चार्ज। तो कोई भी इंसान अगर पहले जो क्वेश्चन का आपको आंसर दिया था, आपका प्रॉफिट क्या है बताया था, सर्विस चार्ज। हम किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, एडुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर हम किसी को कंसल्टेंसी देंगे तो उसके बदले में सर्विस चार्ज हमें मिलना चाहिए नहीं चाहिए। हालांकि दूसरे प्रोफेशन में सर्विस चार्ज डायरेक्ट कस्टमर देता है, और यहां पर हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, उनके कंपनी हमें डायरेक्टली कमीशन भेजता है, हमें तो इंसान से लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट अगर इंसान से कमीशन लेते तो शर्मिंदी होने पड़ता जैसा दूसरे प्रोफेशन में लेना होता है। यहां पर हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं,
लक्स के लिए माधुरी दीक्षित, कोको कोला के लिए आमिर खान, एपीएलएल नरिस के लिए हम लोग। कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर के इनकम देना पड़ेगा, उसके बदले में आपको दे रहे हैं, नुकसान कहां है? अगर नरिस की प्रमोशन के लिए, नरिस नोनी के प्रमोशन के लिए अगर हेमा मालिनी आ जाते, देखो मेरा व्यू पूरा उनका कारण है नरिस नोनी, तो 1200 का नोनी 3000 पे मिलता। ये सर लो, यही जब आप जाके बोल रहे हो तो लोगों को भी काफी सारा फायदा हो रहा है कि उनको मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है। ये काम आप कर रहे हो, ये नोबेल काम आप कर रहे हो, उसके लिए कंपनी आपको पेमेंट करना चाहता है। मेरे तो मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई तकलीफ है। दूसरी बात है अंकल, ये जो मैं कमीशन इनकम करेंगे करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप एक बार सोचिए, आपको जो सैलरी आता है 15000, किस हिसाब से आता है? महीने में 15000, दिन में 300-500, क्यों आता है? आप अपने क्वालिटी को दिखाते हो। आप एक इंजीनियर हो, या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या तो एक एम्प्लॉई हो, या तो एक क्लार्क हो, आप अपने सर्विस देते हो अपने कंपनी में, उसके बदले में कंपनी आपका एक रेट तय किया है। दिन भर आप कंपनी के लिए जितना काम करोगे, कंपनी को 1000 रुपया का मुनाफा है, उसमें से आपको 500 रुपया तनखे के तौर पर दिया जाएगा। हर रोज 500 जोड़ के इकट्ठा होता है 15000, वही तो आपका सैलरी है। तो आप जो सैलरी इनकम कर रहे हो वो भी तो एक टाइप का सर्विस चार्ज, तो कमीशन ही है जो आपके काम के बदले में आपको दिया जाता है। फर्क इतना ही, उसको डेली नहीं दिया जाता है, महीना का अंत में एक बार इकट्ठा सैलरी के तौर पर दिया जाता है। लेकिन बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि एक दिन हो सकता है आपको काम करने का और परमिशन ही नहीं मिला, रेट जीरो हो गया। एक दिन ऐसे भी हो सकता है ऊपर वाले ना करे, अब दुनिया में नहीं रहे, टाइम जीरो हो गया। लेकिन इस प्रोफेशन में एक टीम बनाने के बाद आपका रेट अगर जीरो भी हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हो, कल का मेल की दुर्घटना भी अकस्मात घट जाए, या तो बॉम्बे ब्लास्ट में भी अगर कुछ हो जाता है, दुनिया छोड़ के चल बसते हम लोग, तो भी अपने परिवार को वीकली इनकम आता रहेगा। अंकल सुनने में कमीशन इनकम, लेकिन इससे ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूसरा कोई प्रोफेशन में नहीं मिल सकता है। एक्चुअली अंकल होता क्या है मालूम है, हम लोग नाम से जाते हैं, नाम से बोले तो मानिए कोई ड्राइवर है, तो ड्राइवर ही कैसा अच्छा प्रोफेशन है, गलत है ना? लेकिन ऑटो का ड्राइवर ठीक है, स्टेट बस की ड्राइवर अच्छा है, गवर्नमेंट सर्विस, ट्रेन की ड्राइवर वो तो गवर्नमेंट सर्विस, प्लेन की ड्राइवर वो तो पायलट। यहां पर भी आम कमीशन इनकम करना कोई चीज बेच के, और हेल्थ लिटरेसी, एजुकेशन लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचा के इनकम करना, दोनों की इज्जत में आसमान जमीन की फर्क है। इसीलिए इसकी फिलोसफी को थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको ऐसा इनकम में कोई तकलीफ ही नहीं होगा। इज इट राइट फ्रेंड्स? ऐसे करके उनको क्लियर करना है। नेक्स्ट, अच्छा इसके पहले कोई आपने, कोई अगर ऐसे बोलते कि इसके पहले भी मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग है तो नेटवर्क मार्केटिंग में थे, लेकिन मैंने किया था ना, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे पहले उनको पूछिए फ्रेंड कि इसके पहले आपने कोई बड़ा ब्रांड, बड़ी कंपनी में कौन से आप थे, और काफी लंबे समय के लिए, मतलब 3 से 5 साल कोई बड़ा ब्रांड में, बड़ी कंपनी जैसा स्मार्ट वैल्यू, ऐसे आप किस में थे? देखिए उनका जवाब होगा नहीं, बड़ा कंपनी में नहीं, ये छोटा मोटा कुछ वो आया था अपना मार्केट में लोकल, उसमें 2-1 महीना था। छोटी मोटी तो आती भी रहती है, जाती भी रहती है। स्मार्टवैल्यू बरगद की पेड़ है, 11 साल पहले शुरू होके आज इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है। और अंकिल या फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर इस सिस्टम में भी आप 2 महीने के लिए आ रहे हो, उससे अच्छा है मत आओ। इधर से भी 2 महीने में आपके लिए कुछ नहीं मिल सकते, कोई छप्पर फाड़ के खुल जा सिम नहीं है। यहां पर आपको आना है, 6 महीना ट्रेनिंग लेना है, इस सिस्टम में सीखना है। इतना बता सकता हूं, 30 साल में जिंदगी में जो अचीवमेंट आप करना चाहेंगे वो यहां से 4 से 5 साल में कर सकते हैं। आपका एक जनरेशन सिक्योर्ड हो जाएगा 5 to 7 years अगर इसमें झील दान लगा के विश्वास के साथ मेहनत करेंगे तो। बट प्लीज इसमें भी 2-1 महीने के लिए टेस्ट करने के लिए नहीं आना है, इसमें अगर आना है सीरियसनेस के साथ आना है। और छोटे मोटे मंदिर तो बहुत देखते हैं, लेकिन सिद्धि विनायक होता है ना, यस और नो? सो स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लिमिटेड आज एक ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करके
मैं इसकी इज्जत को छोटा नहीं करना चाहूंगा। मालूम नहीं जहां पर आप थे वहां पर ट्रेनिंग सिस्टम को था भी क्या? आपको सिखाया गया था फोर बेसिक, आपको सिखाया गया था ड्रीम सेट, लिस्ट बिल्डिंग, विजुअलाइज, वर्बलाइज, वाइटलाइज, आपको सिखाया गया था ये सारे ट्रेनिंग? वीकली ट्रेनिंग होता था वहां पर, एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग ट्रेनिंग। अंकल कोई भी काम आप करने जाए बिना ट्रेनिंग का वो काम लंबे दौर के लिए चल सकता है क्या? आज स्मार्ट वैल्यू इस लेवल पे कामयाब है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दूसरा विजन ऑफ द कंपनी बहुत ऊंची, मार्गदर्शन है इनके, फिलोसफी इनकी बहुत ऊंची है, तीसरा सपोर्ट टीम, ट्रिमेंडस पावरफुल सपोर्ट टीम, एवरी वीक आपको ट्रेनिंग देंगे आपकी क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, स्किल को इंप्रूव करने के लिए, वो भी मुफ्त में, ऑलमोस्ट मुफ्त में आपको ये सारे ट्रेनिंग देंगे। आज इस सिस्टम का जो सफलता की रेट इतना ज्यादा है, सफलता की हार इतना ज्यादा है, इसकी वजह यही है कि वंडरफुल प्रोडक्ट, विजनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड पावरफुल सपोर्ट टीम, इस तीन कॉम्बिनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को आज अनपैरेलल कर दिया है दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन से। अंकल आपका पुराने तजुर्बे जो भी हो, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूं, 6 महीने यहां पर बिताइए, आपकी जो तजुर्बे हैं वो बदल जाएगा। और कोई भी सवाल अगर सामने वाला कर रहे, मुंह पे एक होता है मन पे दूसरा होता है, तो ये रियलाइज करना जरूरत है हमें, ये एनालिसिस करना कि ये क्या उनका सच्ची में ये उनका प्रॉब्लम ये है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको हाल चाल उनकी सारे चीज देखते हुए कि लग रहा है उनको पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे की जरूरत उनको नहीं है जो संत महात्मा होते हैं, जो सब कुछ को त्याग चुका है, ये सब हूं, और जो भी संसार की जीवन जी रहा है उनको तो पैसे की जरूरत हर स्टेज पे है, हर वक्त है, हाँ या ना? फिर भी कोई अगर बोलते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, हम लोग जब दिखाए थे बेसिक नीड और एडिशनल नीड, वहां से पैसा छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्मार्ट वैल्यू देता है, मुझे तो उनको बल्कि आप ऐसा बोल सकते हैं अंकल बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के, मुझे भी जब ये प्रेजेंटेशन देखा था मुझे भी पैसा इतना ज्यादा लुभाया नहीं था, लेकिन यहां का जो आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, हेल्पिंग अदर्स, हेल्थ को अच्छा रखना, दूसरे को करियर देना, ये सारे पॉइंट मेरे लिए ज्यादा अहम था। पैसा ठीक है, जरूरी है, इतने भी जरूरी नहीं है जितने के बाकी सारे चीज जरूरी है। पैसा तो ये प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म से भी इनकम किया जा सकता है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म में हेल्पिंग अदर्स, हेल्थ सिक्योरिटी, करियर सिक्योरिटी, एटीट्यूड बनाना, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप से लेके बाकी सारे चीज पाना नामुमकिन है। तो जरूरत नहीं है, फॉरगेट मनी, बाकी सारे चीज तो चाहिए, ये सर नो। फिर भी लास्ट में आप ये भी ऐड कर दीजिए, अंकल आपको में भी पैसे की जरूरत नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की सख्त जरूरत है, और इस सिस्टम में आप पैसे के लिए इनकम नहीं करोगे, काम नहीं करेंगे आप इस सिस्टम में, आपको तो काम करना है लोगों को एडुकेशन, करियर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए। उसके बदले में अगर पैसा आ भी जाता है, जिनको जो जरूरतमंद है उनको दे दीजिए, अनाथों को, एटीएम को, गरीबों को, मंदिर को, ट्रस्ट को, कितने सारे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, राइट फ्रेंड? और क्या सवाल होता है? ज्वाइनिंग फीस थोड़ा ज्यादा है ये सिस्टम में आने का, हाँ ये तो थोड़ा रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने, इसकी वजह एक है इस ऑर्गेनाइजेशन भी चाहते हैं सब लोग ना आए, थोड़ा क्वालिटी लोग ही आए, क्यों 11 साल से बहुत ही क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इस सिस्टम ने खुद को इस तरीके से बनाया, एक छोटा सा पौधा से इतना बड़ा बागीचा जो बनाया स्मार्ट वैल्यू ने, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल जितना पैसा यहां पर लिया जाता है उसके बदले में 100% वैल्यू फॉर मनी दिया जाता है, कंपनी ज्वाइनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे कुछ नहीं लेता है, जो भी हम लेते हैं फर्स्ट परचेज ऑफर यानी प्रोडक्ट के लिए ही हम लोग पैसा पे करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं, राइट? अमाउंट के बदले में हमें सारे सामान सर्विसेज दे दिया जाता है। और रही बात ज्यादा पैसे का, तो उनको ये भी एग्जांपल देके दिखा दीजिए कि मार्केट में अगर बाइक कार लेना है 1,00,000 रुपए में नैनो भी मिलता है चार चक्का वाला, और चार चक्का वाला दूसरी गाड़ी 4,00,000 का भी आती है, 8,00,000 का भी आती है, 15-12,00,000 का भी आती है,
जैसे मेरे को भी एक चार चक्का गाड़ी लेना था तो मैंने लिया स्कोडा ऑक्टाविया, स्कोडा नाम ही काफी है। गाड़ी में जबरदस्त एक्सीडेंट आया, बहुत पैसा खर्चा हुआ गाड़ी को बनाने में, लेकिन अंदर में जो इंसान बैठा हुआ था थोड़ा सा भी चोट नहीं आया। सिक्योरिटी, स्कोडा का 13 लाख जो कीमत है मेरा गाड़ी का, उससे ज्यादा जिंदगी का कीमत है। यस और नो? तो हम कोई भी जगह पे जब पैसा देते हैं उसमें काफी सारा चीजें होते हैं जो हमें देखना चाहिए। सिर्फ पैसा ही एक प्रोडक्ट की वो क्या कैसा है क्या है उसकी सिर्फ निर्णय नहीं होता है। जैसे कि स्कोडा में सेफ्टी, सिक्योरिटी, एलिगेंस, क्वालिटी, राइट, ये सारे चीज भी मायने रखते हैं। समझ रहे फ्रेंड्स? चाय तो 2 रुपए में मिलता है, चाय 20 रुपए में भी 5 स्टार होटल में मिलता है। 5 स्टार होटल की चाय बनाने में क्या 20 रुपया खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन 5 स्टार में आप जब खाएंगे आपको गारंटेड है वो जो प्लेट है, जैसे रास्ते का चाय दुकान में होता है, सब लोग चाय पी लिए, एक ऐसा जगह पे पानी है उसी में ग्लास धोके आपको फिर दिया जाता है। हाइजीन बोल के कोई चीज नहीं है, कोई भी टाइम बाहर की खाना से फूड पॉइजन हो सकता है, लेकिन बड़े होटल में खाएंगे इसकी एटलीस्ट गारंटी है कि हाइजीन मेंटेन किया गया है, साफ सुथरा चीजें मेंटेन किया है। तो जैसा पैसा वैसा क्वालिटी। आज इतने पावरफुल सपोर्ट टीम, 11 साल की पुराने ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कीमत नहीं है। इतने अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसकी कीमत नहीं है। आप एडमिशन लेंगे एक ही बार खर्चा करेंगे जिंदगी भर फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसकी कीमत नहीं अंकल? डेफिनेटली इसकी भी एक कीमत है, क्योंकि आज ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में से है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में।